इसमें शेयर स्क्रीन कर लीजिए, ठीक है। हेलो हेलो सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो सर, तो कैसे हो आप लोग? बिल्कुल ठीक है सर, बढ़िया है सर, बढ़िया ना। हाँ। और तो असाइनमेंट वगैरह हो रहा है ना? हाँ जी सर, हो रहा है। हाँ सर, इतनी बड़ी बात है कि मैथमेटिक्स समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आ रहा है, तभी तो कर रहे हैं। चलिए ठीक है, 100% तो नहीं आएगा अभी, लेकिन 80% के आसपास आ रहा है ना? हाँ सर, आ रहा है, क्योंकि डायरेक्ट कम्युनिकेशन की क्लास है और ऑनलाइन क्लास में थोड़ी सी फर्क रह जाएंगे, है ना? यस सर, हम लोग कुछ ना करने से अच्छा है कि कुछ कर लेते हैं। ऑनलाइन क्लास करेंगे तो 75% 80% हो जाता है, लेकिन अगर डायरेक्टली सामने सामने क्लास हो तो पूरा 100% होता है। लेकिन आई थिंक फिर भी बहुत कुछ हो रहे हैं हम लोग में, हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो जो असाइनमेंट दिया हुआ था एक्सरसाइज 1.2, वो आप लोगों ने सारे ने कर लिया क्या? अकरम ने नहीं किया। यस सर, अकरम आपने नहीं किया? यस सर। क्यों नहीं किया? 1.1 ही हुई सर, 1.1 हुई है, 1.2 नहीं किया भाई। अकरम, आई विल सेंड यू द, कल का लेक्चर मैं भेज दूंगा, ठीक है? जी, आप लोगों को एक दिन का ताकि आप लोग कंप्लीट कीजिए। लेक्चर सुनिए 1.1 लगाइए, लेक्चर 2 सुनिए 1.2 लगाइए, ठीक है? मुझे कोई नहीं चाहिए, ठीक है? मैं आज आपको भेज दूंगा। ओके सर, कंप्लायंस चाहिए 100%। बच्चे एक्टिव चाहिए, बात है कि कोई नहीं पढ़ रहा है, कोई पढ़ रहा है ना? सब पॉइंट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं ना, 1.2 में कुछ जी एक एक करके सब कर लेते हैं ना। प्रॉब्लम है पहले उसको कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? यस सर। हाँ, तो पहले जो प्रॉब्लम है उसको करते हैं। सबसे पहले वेदिका ने जो लास्ट दिन सवाल वो क्वेश्चन पूछे थे ना आपने कि सर कैसे हम पता करें कि किसी फंक्शन में कितने हमें फंक्शन मिलेंगे 200 के बीच में, हाउ मेनी फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शन बिटवीन टू एनी टू सेट, है ना? तो हमने देखिएगा ग्रुप में मैंने लिख के व्हाट्सएप पे आपने पोस्ट किया है, सब मैंने देख लिया। हाँ, आई थिंक आप सबको वो समझ में आया होगा। किसी को कोई डाउट है उसमें फॉर्मूले में जो मैंने लिख दिया था ग्रुप में? आप लोगों ने सबने देखा है कि नहीं देखा है, पहले ये तो बताइए। देखा सर, देखा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब ये बताइए कि उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, नहीं ना, क्योंकि वो सीधी एकदम क्लियर दिख रहा है सब कुछ। मैंने क्या कहा था कि दो सेट के बीच में अगर आपको वो दिख जाता है ना, कार्डिनलिटी दिख जाए, कि अगर कार्डिनलिटी, आपको सबको स्क्रीन दिख रहा है? जी सर। ओके, इफ कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इज इक्वल टू एम and cardinality of set b is equal to n, so number of function between a and b, कितने number of function मिलेंगे हमें? सर n की पावर m। number of function, distinct function है ना, अलग अलग function कितने मिलेंगे? number of function और m, n की, yes, हाँ ये मिलेगा। एक सेकंड होल्ड करिएगा, एक मिनट बस। यस, अब है क्लास वाला वही पढ़ता है। ठीक है, तो कितने मिलेंगे नंबर ऑफ फंक्शन? n टू पावर m, ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक सेट दिया, सेट a इज इक्वल टू a कमा बी कमा सी, सेट b इज इक्वल टू, एक सेकेंड ये पेंट गड़बड़ हो रहा है, रुकिए। नंबर ऑफ फंक्शन हमें डिफाइन करना आ गया ना, कितने नंबर ऑफ फंक्शन मिलेंगे, और 1, 1, 1, 2 सारे निकाल सकते हो। और 1, 1, 1, 2 जो फंक्शन 1, 1 नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो 1, 1 नहीं होता उसे कहते हैं many one, many one फंक्शन। और जो फंक्शन आपका 1, 2 नहीं होता है उसको into बोलते हैं सर, कहते हैं, ठीक है? ओके तो दो सेट अगर मैं डिफाइन कर दी, चलिए एक आध सवाल कर लेते हैं ना इसमें। यस सर। ओके अगर मैं क्वेश्चन देता हूँ सेट ए बी सी, सेट बी इज इक्वल टू मैं दे दिया 1, 2, 3, 4 इतना ही रख दीजिए, ठीक है। आप मुझे बताइएगा, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग जवाब देंगे। नंबर ऑफ फंक्शन बताइए फ्रॉम सेट ए टू बी, ठीक है। नंबर ऑफ फंक्शन बताना है आपको। ये जो सिंबल होता है ना, इसको नंबर ऑफ फंक्शन कहते हैं इसको। तो चलिए मैं लिख देता हूँ, आप लोग में इतना नहीं होगा। नंबर ऑफ फंक्शन, ठीक है, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। फ्रॉम सेट ए टू सेट बी कितने मिलेंगे बताइए? 81। कितना? इनके कार्डिनलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 4, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 3, सो नंबर ऑफ फंक्शन इज 4 to the power 3 इज इक्वल टू 64, ठीक है। तो 1 फंक्शन कितने मिलेंगे? 4 फैक्टोरियल। 1 फंक्शन कितने मिलेंगे? 24। सही से बताइएगा। 24 कैसे किया? तो वो आपने फॉर्मूला लिखवाया था। हाँ, क्या फॉर्मूला था? NPM। NPM। NPM, ठीक है। N कितना है यहाँ? 4 है ना? Yes, sir. और m is equal to 3, और इसको मैंने कैसे ब्रेक करते, ये पार्मुटेशन है, आप लोगों ने पार्मुटेशन पढ़ा है ना? ओके, पार्मुटेशन और थोड़ी सी कॉम्बिनेशन में डिफरेंस होती है। कॉम्बिनेशन में आपस में भी आपस में हिस्सा ले सकते, मतलब अपने आप में प्लेस चेंज कर सकते हैं, लेकिन पार्मुटेशन में ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। तो इनको आप लिखिए फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3। फैक्टोरियल 4 कितना हो जाएगा? 24 ना, 24 डिवाइडेड फैक्टोरियल 1 इज इक्वल टू 1 ही हो जाता है, तो ये 24 है, ठीक है। नंबर ऑफ फंक्शन हो गया 24, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हो गया 64, ठीक है। और आप देखिए तो 1 फंक्शन की नेसेसरी कंडीशन क्या थी? व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ फंक्शन शुड बी इक्वल टू 1? सर बी सेट में ए सेट से ज्यादा एलिमेंट होनी चाहिए, मतलब बी की कार्डिनलिटी ज्यादा होनी चाहिए ए के कंपैरिजन में। यहाँ पे है ना, कार्डिनलिटी ऑफ बी ग्रेटर देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए, ठीक है। यस देन यहाँ पे नंबर ऑफ ऑन फंक्शन तो मैंने डिफाइन कर दिया 24, तो नंबर ऑफ मेनी ऑन फंक्शन कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मेनी ऑन फंक्शन 40। क्या आप में से किसी में से आवाज आ रही है? उसको कंट्रोल करिए। यस, आवाज आ रही है कहीं से, कॉल है ना। तो आप में से कोई किसी का प्रॉब्लम हो रही है, वो कंट्रोल करिए और साइलेंट रखने की कोशिश करिए ताकि हम सबको फायदा हो रहा है। नंबर ऑफ मेनी ऑन फंक्शन कितना हो जाएगा? सर 40। 40 कैसे किया वेदिका? सर टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में से 1 फंक्शन माइनस कर दिया। हां, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन 64 था, नंबर ऑफ ऑन फंक्शन हमारे 24 है, देन नंबर ऑफ मेनी ऑन फंक्शन 64 माइनस 24 इज इक्वल टू 40, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में हम सारे कर लेंगे, ठीक है, फिर अगला चले जाएंगे। फिर नंबर ऑफ 1 2 फंक्शन, नंबर ऑफ 1 2 फंक्शन बोलिए। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन सर n की पावर m। ओके, n की पावर m इट मींस -4 to the power 3 माइनस बोलिए -3c 4c1। ओके 4c1 मीन nc1 माइनस n माइनस 1 टू द पावर m है ना, m। यस सर। ओके देन प्लस 4c2 4 माइनस 2 n माइनस 2 टू द पावर m है ना। फिर ऑल्टरनेट होता जाएगा, फिर 4c3 और आपका ये आ जाएगा 4 माइनस 3 टू द पावर 3, बस इतना ही। आगे जो आएगा वो 0 हो जाएगा, 0 है ना? तो हमें आगे लेने की कोई जरूरत नहीं है, यही पे आप एंड कर सकते हो। अब इसको कैलकुलेशन करो, कितना हो जाएगा? ये होगा 64, 4c1 कितना होता है? 4 C1 is equal to 4 and 3 के cube 27 4 C2 I think 4 C2 कितना होगा 6 ना 4 C2 देखिए जरा factorial 4 divided by 2 factorial into 2 factorial so 4 into 3 12 divided by 2 6 हो जाएगा है ना yes sir okay तो 6 into 8 and then 4C3 is what 4 C3 is 4 and 1 का क्यूब तो 1 ही होता है yes sir हाँ तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए 64 माइनस ये कितना होगा 28 सर इसका आंसर 8 आएगा शायद आंसर 8 आ गया चलिए कुछ मिस्टेक हुआ है क्या कुछ मिस्टेक हुआ अच्छा वन सॉरी हमने कुछ मिस्टेक कर दिया क्या मिस्टेक हुआ है बताइए जरा 1 सेकंड अभी देखते हैं सर वेदिका बोलिए नंबर ऑफ 1 2 फंक्शन करने में हमने कुछ मिस्टेक किया है क्या मिस्टेक है इसमें सर कोई मिस्टेक नहीं समझ में आ रहा है ना नेसेसरी कंडीशन चेक करिए नेसेसरी कंडीशन को यस सर मिलेगा ऑन टू फंक्शन मिलेगा नहीं ना सबको समझ में आया यस सर 0 हो जाएगा ना तो ये कैलकुलेशन नहीं करना है क्योंकि नेसेसरी कंडीशन फेल्ड हो रहा है ठीक है चंद्रप्रताप समझ गए सर समझ गए ओके चंद्रप्रताप आक्रम शरद है ना सबका यही नाम है ना बी में वो है ना सर यही नाम है चंद्रप्रताप सर ये सीपी के जो है नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है सर वो मेरे पास बैठा है अभी कौन चंद्रप्रताप ठीक है कोई बात नहीं एक साथ पढ़ लीजिए लेकिन वो समझ में तो आ रहा है ना बिल्कुल 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 तो यहाँ नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन शुड बी 0 व्हाई बिकॉज़ द नेसेसरी कंडीशन इज फेल्ड कार्डिनलिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ ए फॉर ऑन टू फंक्शन We know that cardinality of A should be greater than equal to cardinality of B, है ना? लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है इसलिए यहाँ on to function हमें नहीं मिलेगा हमने necessary condition को चेक ही नहीं किया था डायरेक्ट फॉर्मूला रख दिया था तो गलत आ रहा था नेगेटिव में आ रहा था और नंबर ऑफ फंक्शन इसको काउंट करना कभी नेगेटिव हो सकता है काउंटिंग हम कैसे करेंगे 1 2 3 4 ऐसे ही तो काउंट करेंगे ना कभी -1 -2 ऐसे थोड़ी काउंट होता है ठीक है ओके तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन आपको 0 मिल गया तो नंबर ऑफ ऑन टू जब फंक्शन 0 मिला तो नंबर ऑफ इन टू फंक्शन कितना होगा 64 जितने ऑन टू नहीं होते उनको हम क्या कहते हैं सो नंबर ऑफ इन टू फंक्शन शुड बी 64 क्लियर क्लियर यस सर ओके शरद यस सर ठीक है आगे चलते फिर है ना अब आपसे एक्सरसाइज 1.2 में वेदिका ने एक सवाल दिया था उसमें ये था बॉक्स फंक्शन के बारे में आप लोगों में से कितने जानते हो ये बताओ तो कौन सा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर था आई थिंक वेदिका क्वेश्चन नंबर बताइएगा जरा तो थर्ड ग्रेटेस्ट इंडिकेटर क्वेश्चन नंबर 3 सर ये मेरा भी डाउट है सर हां मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आई थिंक आप लोग बॉक्स फंक्शन के बारे में फैमिलियर नहीं हो नहीं सर पढ़ा तो है अच्छा चलिए ठीक है बॉक्स फंक्शन क्या होता है या जिसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना हालांकि मैंने लिख दिया है तो आप आई थिंक आप सबको समझ में नहीं आया होगा आया है सबको समझ में शरद हाँ सर आया है समझ में सर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही तो हाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसको बॉक्स फंक्शन भी कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ऐसा कि इस क्वेश्चन में इसने थोड़ा सा डिफाइन कर रखा है यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि ब्रैकेट में जो एक्स है ना हेलो हाँ बोलिए शरद सर इसने यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन में बोल रखा है इसने वेयर ब्रैकेट में जो एक्स है डिनोट्स द ग्रेटर इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स मतलब कि जो ब्रैकेट में एक्स की वैल्यू होगी वो लेस देन होगी किसी इंटीजर से या फिर ग्रेटर देन होगी जैसे कि 2.5 ले लेते हैं हम है ना तो इसमें 2.5 और 2.4 उसमें जो 2 होगा वो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा चलिए ठीक है शरद आप ही बोलिएगा, ठीक है? मैं अभी पूछता हूँ जी सर, आप ही बोलिएगा। लेटेस्ट फीचर फंक्शन, चलिए 2.76 शरद कितना होगा? टू इंटीजर सही इक्वल तो हो सकता है किसी के भी, लेकिन इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा। ओके, जब आप बॉक्स फंक्शन है ना, मतलब हुआ कि आपको वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर बट नॉट ग्रेटर देन एक्स, यानी कि एक्स से बड़ा ना हो, ठीक है? एक्स से बड़ा ना हो, हाँ एक्स से बड़ा ना हो। तो आपको यहाँ कितना है? 2.76 है। तो आपको वो इंटीजर फाइंड करना होगा। यू हैव टू फाइंड दैट नंबर इंटीजर्स दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2.76। यस सर। कौन सा इंटीजर ऐसा हो जो 2.76 से ज्यादा ना हो लेकिन सबसे बड़ा इंटीजर हो? तो 2 ही है सर वो तो। ये बिल्कुल, अभी देखिए मैं चेंज कर देता हूँ, आप थोड़ा सा देखिएगा। चलिए अब बताइए। माइन यहाँ पे आपने माइनस दे रखा है, हाँ माइनस 2.76। तो सर यहाँ पे होगा हमारा -1। चलिए आप में से किसी ने कहा -3, आप में से किसी ने कहा -1। -1 कौन कहा? लता बोली सर। मैं लता। चलिए लता ने -1 कहा, और कोई? तो -3 का -3। और कौन? -3 सर, अक्रम और सीपी। -3, हाँ सर -3। ओके, चंद्रप्रताप -3, शरद हाँ सर -, ठीक है तो -3। तो ये देखिए लता, देखिए ये -1 क्यों नहीं हो रहा है? लता सुनिए, आपका दिया क्या है? -2.76 है ना? आपको पहले ये पता करना होगा कि -1 इज बड़ा होता है या -2? सर -1 बड़ा है। ठीक है, -1 इज ग्रेटर देन -2 है ना? ओके सर। आपको दिया है -2.76, मैंने -2.76 आपको दे दिया। आपको फाइंड करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन -2.76। मतलब ये हुआ कि आपको वो इंटीजर फाइंड करके ले आना है जो -2.76 से बड़ा ना हो, ठीक है? तो ये बताइए कि ये -2 और -1, -2.76 कहाँ होगा? -2 के लेफ्ट में या -2 के राइट में? तो सर लेफ्ट। लता बताइएगा, लता बताइए -2 के लेफ्ट में। ओके, सो -2.76 इज लेफ्ट साइड ऑफ -2 है ना? ठीक है सर। और इससे लेफ्ट में क्या है? -3 है सर। -3 लिख देते हैं ना? तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर जो इससे बड़ा ना हो। तो आपने कह दिया कि सर -1 रख दीजिए। बताइए -2.76 से -1 बड़ा नहीं है? यस सर बड़ा है सर। आ गया समझ में, -3 होगा सर। बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल। तो -1 हमें नहीं रखना है, हमें क्या रखना है? उससे छोटी इंटीजर रखना है। तो वो कितना है? -3। ठीक है, क्लियर? क्लियर। ओके, तो आपको सर इसे स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डाउट है, वो बता दिए। हाँ बोलिएगा, एक एक करके सबका डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है? छोटा सा है बस। आप सर जैसे कि दो हैं सर हमारे पास में, एक सेट में मतलब एक तरफ लिखिए सर 4। चलिए एक सेकेंड, एक सेट आपके पास ए है जिसपे क्या है बताइए? 4 मेंबर बताइए। 4 मेंबर है, 4। अच्छा 4 मतलब कार्डिनलिटी ऑफ ए 4 है। कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल रहा, ठीक है ठीक। कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 4, ठीक है। कार्डिनलिटी ऑफ बी इक्वल टू है -2 और +2। बोलिए बोलिए, -2 और +2 ये कैसे हो सकता है? किसी स्टेट कार्डिनलिटी है क्या? नहीं, मतलब मैं दो सेट रियल नंबर के 2 सेट ले रहा हूँ, ठीक है? लीजिए, एक सेट का कार्डिनलिटी आपने 4 कहा, मतलब एक सेट के अंदर 4 रियल नंबर है। सर सॉरी सर, कार्डिनलिटी नहीं है सर ये। ओके बोलिए, क्या है? कार्डिनलिटी नहीं है, सेट में जो होते हैं ना गिवन में एलिमेंट, ये वो है सर, ठीक है? तो बोलिए ए सेट के अंदर क्या एलिमेंट है? बोलिए। ए सेट के अंदर है 4 एलिमेंट। हाँ, तो वो एलिमेंट आप नहीं बोलेंगे क्या क्या है? फोर है सर, ओनली फोर, चार ओनली चार ही है। ठीक है ठीक है ठीक है सर। और सेट बी में है प्लस टू और माइनस टू। ओके, टू एंड माइनस, बिल्कुल ठीक है। कार्डिनलिटी ऑफ हो गया वन एंड देन कार्डिनलिटी ऑफ बी हो गया टू। अब बताइए, अब बोलिए क्या। अब सर सेट में रिलेटेड जो है बी के जो वो टू सेट जो है वो दो जो रिलेटेड है वो चार से दोनों रिलेटेड है। दो का स्क्वायर, दोबारा बोलिए प्लीज। हेलो सर, टू का स्क्वायर भी फोर है और माइनस टू का स्क्वायर भी फोर है ना। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो सर आप जरा ऐसे मैं ये पूछना सर, ये सेट जो होगा वो ऑन टू होगा या नहीं होगा? एक फंक्शन करना चाहते हो है ना, फंक्शन ऑन टू होगा या नहीं होगा? कहाँ से कहाँ तक? बी से ये तक या ये से बी तक? बी से ए से बी तक, ए से बी तक, ए से ठीक है। अब क्या सवाल है? पहले साइलेंट रखिए तब क्या आप लोग। ये म्यूट कर लो, किसकी आवाज आ रही है? हाँ से भी आवाज आए ना वो खुद ब खुद म्यूट कर लीजिएगा ताकि जो डिस्टर्बेंस ना हो, है ना। ठीक है ना, ओके सर, ओके ठीक है। जहाँ भी दिखे कि थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है आप खुद ब खुद म्यूट कर लीजिएगा, 1-2 मिनट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आप चाहते हो कि एक फंक्शन डिफाइन करना फ्रॉम सेट ए टू सेट बी और कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इज 1 एंड कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी इज इक्वल टू 2। आगे बताइए, क्वेश्चन कंप्लीट करिए अपना। चार है वहां, चार लिख दीजिए। हाँ लिख दिया है। ए को एक ये सेट है जिसके अंदर 4 है और बी सेट के अंदर 2 एंड माइनस 2 है। हाँ सर, क्वेश्चन कंप्लीट करिए सर। जानना क्या सर, मैं इसमें ये जानना चाह रहा हूँ ये जो मतलब फंक्शन ऑन टू होगा या नहीं होगा? टू रिलेटेड 4 है, मतलब दोनों का स्क्वायर 4 आ रहा है। वैसे देखिए मैंने कहा रिलेटेड किससे होता है, जब हम एक्स वाई को इस तरह से लिखते हैं ना तो ये वाला एलिमेंट आता है ए से और ये वाला एलिमेंट आता है बी से, डोमेन कोडोमेन से, और ये डोमेन से, और हम कहते हैं कि एक्स इज रिलेटेड टू वाई, यानी कि आपका यहाँ पे ए कितना है 4 है। तो बताइए 4 को भी 2 से रिलेट करना चाहते हो है ना? हाँ जी सर, 4 को भी 2 से रिलेट करना चाहते हो और 4 को -2 से भी रिलेट करना चाहते हो, यही ना सर? इट मींस दैट 4 इज गोइंग टू एंड 4 इज आल्सो गोइंग टू -2। ये सवाल किसने पूछा, शरद या अकरम? शरद। शरद, ठीक है। वेदिका बताइए क्या ये फंक्शन है? सर ये ऑन टू फंक्शन है लेकिन ये फंक्शन ही नहीं है शायद। हाँ तो जब फंक्शन यही तो मुझे डाउट है सर, ये फंक्शन ही नहीं है क्योंकि सर अगर फंक्शन में जो ए सेट होता है वो केवल एक ही एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, उसकी यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो सर फंक्शन की डेफिनेशन को और करिए। हां सर, फंक्शन की डेफिनेशन कुछ और करूं? हां फंक्शन की डेफिनेशन को और करिए। देखिए फंक्शन का डेफिनेशन क्या कहते हैं कि फंक्शन इज अ टाइप ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, है ना। फंक्शन क्या है, एक टाइप का रिलेशन है सेट ए फ्रॉम सेट ए टू सेट बी में, जिसमें से क्या होता है एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड बी यूनिकली असाइन टू अ मेंबर ऑफ बी। यूनिकली असाइंड इसका मतलब होता है कि एवरी एलिमेंट ए का हर एक मेंबर जो होगा एक ही आपको इमेज देंगे, दो इमेज नहीं दे सकते। आपने क्या किया देखिए, एक एलिमेंट का 2 इमेज दे दिया है ना। देखिए 4 का इमेज क्या दे दिया आपने, 4 2 से भी रिलेट है और 4 -2 से भी रिलेट है। बात समझ में आया शरद? आया सर। हाँ सर, ये फंक्शन ही नहीं बनेगा। फंक्शन बनने के लिए आपको एक यूनिक इमेज देना पड़ेगा, 2 अलग अलग इमेज, एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं दे सकते हो आप, सीधी लैंग्वेज में। समझ में आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। और अगर ऐसे देखना चाहो तो बस ऐसे याद रखो कि एक जगह से 2 जगह नहीं जा सकता। देखो नहीं, वो मेरा ये डाउट ही था, मुझे डाउट ये था कि सर जैसे कोई इसमें है ना सेट बी जो है, सेट बी में कोई हमारा कोई भी एक एलिमेंट है, जैसे इसमें +2 और -2 है। ठीक है ठीक है। अब इसमें सर ये 2 सेट है, 2 एलिमेंट सामने वाले भी एक पे इमेज बनाए, उसमें और भी कुछ एलिमेंट होते हैं। सर मैं थोड़ा समझा नहीं पा रहा हूँ आपको। नहीं नहीं आराम से समझाइए, आपका जो सवाल है वो आप समझा पाएंगे। क्यों नहीं पाएंगे? आपका सवाल क्या है, आप धीरे धीरे बोलते रहिए कि सर मुझे ये चाहिए एग्जैक्टली, मैं ये पूछना चाहता हूँ, है ना सर? मेरा डाउट वन फंक्शन वो है, ऑन टू फंक्शन में डाउट है मेरा। इधर उधर घूमना नहीं है आपको, बस क्लियर क्वेश्चन पूछना है कि मुझे सर ये जगह मुझे प्रॉब्लम है, मुझे ये जानना है, तो आप उसी को एग्जैक्टली पुट करिए सर। हाँ सर, ये कहना चाह रहा है कि एक इमेज दो इमेज की एक प्री इमेज हो सकती है कि नहीं, ये पूछ रहा है। तो बिल्कुल हो सकता है, वन टू में तो होता ही है। देखिए उल्टा कर लीजिए ना फंक्शन को, अगर आपने जो कहा उल्टा करके डिफाइन करिए। फंक्शन को बी से ए तक डिफाइन कर लीजिए, बी से ए तक डिफाइन कर लीजिए, ठीक है। और बी के अंदर क्या है आपका, टू और माइनस टू है, तो आपने टू को भी फोर में असाइन कर दिया और माइनस टू को भी फोर में असाइन कर दिया। अब बताइए क्या ये फंक्शन नहीं है? ये सर ये तो है, बिल्कुल है तो है सर। ये ऑन टू है या नहीं है? सर ऑन टू है, बिल्कुल ऑन टू है। ऑन टू का मतलब क्या कहता है? देखो ऑन टू का मतलब यही कहते हैं कि आपका जो ये कोडोमेन होगा ना, बस डेफिनेशन पे फंक्शन। और मैंने जो चैप्टर पिक किया है ना वो गलत कर दिया मैंने, थोड़ा सा गलत ये किया कि आपको स्टार्टिंग में रिलेशन फंक्शन नहीं पढ़ाना चाहिए था। मैंने इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि आप लोगों ने 11 पे पढ़ा है। सबसे ज्यादा जो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है ना आपका, वो रिलेशन फंक्शन है और आप लोग वही पढ़ रहे हो अभी। इसके बाद बहुत आसान से चैप्टर आ जाएंगे। इसमें सब यार आज पूरी एक्सरसाइज करी ना, हाँ उसमें सारे क्वेश्चन बहुत ये थोड़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों से पूछा था कि कहाँ से शुरू करें, आपने कहा शुरू से करिए, तो मैंने कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, आपने रिलेशन फंक्शन पढ़ लिया तो कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है। देखिए बस डेफिनेशन को गौर करना है। ऑन टू फंक्शन क्या कहते हैं कि कोडोमेन के हर एक मेंबर के लिए, अकरम गौर करिएगा, कोडोमेन के हर एक मेंबर के लिए आपको उनके प्री इमेज मिल जाना चाहिए। अगर मिल गया तो आप कह दोगे ऑन टू है। तो बताओ ए सेट के अंदर क्या है, कोडोमेन के अंदर मेंबर कितना है? एक ही मेंबर है बस, फोर। और बी सेट के अंदर, सॉरी हाँ, बी सेट के अंदर कितना है? टू और माइनस टू। देखो फंक्शन मैंने उल्टा डिफाइन किया, बी से ए पे डिफाइन किया गया है। अब बताओ कोडोमेन के हर एक मेंबर के लिए क्या आपको प्री इमेज नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना। ए सेट में क्या है? ओनली मेंबर इज 4, सो वी हैव टू वी कैन फाइंड प्री इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। 4 ही है हमारे कोडोमेन में, 4 को अलावा कोई है ही नहीं। अगर दो प्री इमेज बन सकती है एक एलिमेंट के, ऐसा बिल्कुल बन सकता है। एक देखो एक एलिमेंट का दो क्या हजारों प्री इमेज बन सकता है, ठीक है। शरद का सवाल था ना, सर एक एलिमेंट का आप चाहो तो 1000 प्री इमेज बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट एक एलिमेंट का 1000 इमेज नहीं बन सकता, 1000 क्या 2 इमेज नहीं बन सकता। बात समझ में आ रहा है? अगर एक हाँ एक एलिमेंट का कोई इमेज बन गया तो आप सीधे कह दोगे कि वो फंक्शन नहीं है, फंक्शन बात है ना सर? हाँ सर ओके। सर आपने कल क्वेश्चन नंबर 9 कराया था हमें। ओके हाँ बोलिए। कल आपने क्वेश्चन नंबर 9 कराया था हमें। क्वेश्चन नंबर 9 बोलूं सर मैं? क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों ने कल किया तो था, कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। किया था नहीं, मैं बस इतना पूछ रहा हूँ, मैंने कुछ अलग से किया है सर। मैं पूछना चाह रहा हूँ ठीक है या नहीं, पूछना चाहते आप ठीक है नहीं। कितने तो फोटो भेजी है आपने कुछ भेजा है क्या? केस बता दो, केस सुन लीजिए, मैंने 3 केस बनाए हैं इसमें, वो 3 केस ठीक है या नहीं। ओके सेंड कर दीजिएगा। सेंड कर दूं? सेंड वैसे मैं कर चुका हूं सर आपके पास। शरद हां क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 शरद। एक तो आप लोग की राइटिंग नहीं दिखती सही से सर, वो रबर के ना इसलिए। शरद आपको दिख रहा था ठीक से? सर आपको दिख रहा था ठीक से? चलिए बोल दीजिए शरद, क्या बनाया आपने? 3 केस बनाए, 3 केस बनाए हैं। किस तरीके से बोलिए? और किसमें? 1-2 में। हां 1-1 में बनाया है, 1-1 में। 1-1 में आपने 3 केस बना दिया, चलिए ठीक है। केस फर्स्ट है लेट x1 एंड x2 बी ऑड, ठीक है ओके। लेट x1 and x2 की odd, okay. odd हो गया। ठीक है। तो इससे सर मैंने प्रूव कर लिया x1 बराबर आ रहा है x2 के। अच्छा शरद, ऐसे मैंने केस है। हाँ, जब हमें डिस्कार्ड करना होता है ना इसको, जब आप जाएंगे जब किसी चीज को डिस्कार्ड करना होता है तो बस एक एग्जांपल आपके लिए काफी है कि कोई एक नंबर ले आके आप डिस्कार्ड कर दो। बात समझ में आ रहा है? ये फंक्शन जो है हम लोगों की 1-1 नहीं है, है ना। कल शायद इसमें आप लोगों ने बताया था कि सर f(1) का इमेज और f(2) का इमेज इक्वल था। कितना था? 1। कल हमने क्या था? f(1) इज इक्वल टू f(2) आया था, 1 आया था। हाँ आया था, है ना। लेकिन हमने क्या कहा था कि अगर 1-1 होना है तो अगर इमेज सेम आए तो एलिमेंट को सेम होना पड़ेगा। बट हम जानते हैं वो एलिमेंट सेम नहीं थे। हाँ, तो 1-1 नहीं है इसका मतलब, है ना। ठीक है ना, हो गया था। लेकिन सर मैं अपना पूछना चाह रहा था ये ठीक है या नहीं, मैं थोड़ा सा कर दूं। बिल्कुल ठीक नहीं है, आप जो करना चाहते हो ना। चलो ठीक है, आपका पहले कर लेता हूँ, है ना। चलो लेट x1 x2 बी ऑड, आगे बताओ। ठीक है सर, इससे प्रूफ हो गया कि x1 बराबर है x2 के। आगे बताओ कैसे प्रूफ हो गया, बताओ ना सर। f(x1) = f(x2)। अच्छा, ऐसे हो जाएगा। हाँ हो जाएगा सर। f(x1) कितना हो जाएगा? f(x1) हो जाएगा x1 1 5 2 = x1। अच्छा यार, यहाँ तो सिंपली आपने कैलकुलेशन कर लिया और काट दिया और कह दिया कि x1 बराबर x2, है ना। हाँ सर, हाँ सर, ऐसे इवन वाला भी प्रूफ हो गया। लेकिन केस थर्ड जो मैंने लिया, ये नहीं होता है सर। सुनिए, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब आप लेट x1 x2 मान लिया है ना कि ऑड नंबर है, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि हर x1 x2 के लिए 2 है। समझ रहे हो आप? क्या दिखाना पड़ेगा सर? हर x1 x2 के लिए 2 दिखाना पड़ेगा। फॉर एवरी ऑड x1 x2 यू शुड बी you have to shown that f(x1) is equal to f(x2) implies x1 equal to x2। देखो मैं कैसे डिस्कार्ड कर देता हूँ। अभी आपने कहा x1 और x2 दो ऑड नंबर ले लीजिए सर। मैंने कर दिया x1 बराबर 3, ठीक है, और x2 बराबर 5। दोनों ऑड नंबर है, है ना। हाँ सर, ओके। तो f(x1) कितना हो जाएगा? 3/4/2 होगा 2 और x2 और 3 हो जाएगा 3। अलग-अलग आ रहा है ना। हाँ अलग। तो आपने कह दिया कि हर ऑड नंबर के लिए ये दोनों सेम हो गया, तो मैं यहाँ से ये कर दूंगा। ये गलत है शरद, ठीक है, इसीलिए तो पूछ रहा था। हाँ बिल्कुल, ये गलत है। आपको बस जब डिस्कार्ड करना है सिंपल तरीका सोचिए, मैथमेटिक्स को कॉम्प्लिकेटेड मत सोचिए, बहुत आसान है। बस 2 बातें याद रखिए, जब हमें किसी चीज को डिस्कार्ड करना है हम एग्जाम्पल लेके डिस्कार्ड कर देंगे। अगर किसी चीज को प्रूफ करना होता है ना, अगर प्रूफ होता है, अगर मान लीजिए ये फंक्शन आपका 1-1 होता, तब आपको ऐसे जनरली प्रूफ दिखाना पड़ेगा। लेकिन आप डिस्कार्ड करना चाहो एग्जाम्पल से, काउंटर एग्जाम्पल जिसको हम कहते हैं, ठीक है। डिस्कार्ड करने के टाइम पे आप काउंटर एग्जाम्पल दे सकते हो, लेकिन आपको अगर प्रूव करना है तो जनरली प्रूव करना पड़ेगा। तो यहाँ तो हमारा 1-1 है ही नहीं, तो हम क्यों मुश्किल से करें, है ना। ऑड नंबर इवन नंबर कोई कंसीडर करने की कोई जरूरत नहीं। 2 नंबर ले लिया, हमने दिखा दिया कि दोनों नंबर से हमें 1-1 नहीं मिल रहा है, बस इतना सफिशिएंट है। और फिर हमने 1-2 दिखाया था, शायद हुआ था ना। हाँ 1-2 हुआ था सर, ये ओके 1-2 हुआ था क्योंकि एवरी मेंबर हैज कोड डोमेन हैज प्री इमेज इन इट्स डोमेन। जब आप हुआ था ना, तो वहां आपको जनरली दिखाना पड़ेगा कि हर एक एलिमेंट के लिए मुझे प्री इमेज मिल रहा है। क्लियर शरद? क्लियर सर। ओके, जब भी आपका मन में कोई क्वेश्चन होगा ना, आप पूछिएगा, बार-बार पूछिएगा। जब तक क्लियर नहीं होगा आपको बोलने की जरूरत नहीं कि क्लियर है, ठीक है। जब क्लियर हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, आपको समझ में आएगा, तब बोलिएगा सर हां अब समझ में आया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में था। और किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में शो दैट द मॉड्यूलस फंक्शन रियल नंबर टू रियल गिवन बाय fx इक्वल में mod में x इज नाइदर 1-1 नॉर ऑन 2। बिल्कुल, ना तो ये 1-1 फंक्शन है और ना तो ऑन टू फंक्शन है। फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन है? क्या सर? फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है? R to R फंक्शन R to R डिफाइन है। सेट ऑफ रियल नंबर से लेके सेट ऑफ रियल नंबर पे डिफाइन है। यस सर। आपको क्या दिखाने के लिए कहा गया है कि आप दिखाइए कि ना तो ये फंक्शन 1-1 है, नाइदर इट इज अ 1-1 फंक्शन नॉर ऑन टू फंक्शन। और आगे भी है सर, की क्वेश्चन आगे भी है। बोलिए बोलिए। वेयर x मोड में इज x इज पॉजिटिव और 0 एंड x इन मोड इज माइनस x कहा गया है, वो मॉड एक्स का मतलब कहा है? मॉड एक्स का मतलब समझाया, जैसे उसमें लार्जेस्ट इंटरवल समझाया था ना, दैट व्हाट मींस बाय मॉड एक्स। यू आर ऑलरेडी नोन दैट मॉड एक्स मींस व्हाट। ओके सर, मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0। ओके सर, okay, आप लोग ये जानते हो पहले से, उन्होंने किताब वाले ने आपको दे दिया है अच्छे से बोल के कि ये होता है मॉड एक्स का मतलब, और आप खुद जानते हो मॉड एक्स होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। यस सर, क्योंकि मॉड एक्स का मतलब वो कभी नेगेटिव नहीं देंगे, हमेशा पॉजिटिव नंबर देंगे। देखो कैसे, अगर फॉर एग्जाम्पल दो तरह का ही तो नंबर होता है, या तो वो पॉजिटिव नंबर होगा या तो नेगेटिव नंबर होगा। हमारे पास जितने भी नंबर सिस्टम है मैथमेटिक्स में, जितने भी नंबर है दो तरह का ही तो नंबर होगा, या तो पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर। यस सर, चलिए जीरो को बोलिए तो क्या कहेंगे, पॉजिटिव कहेंगे या नेगेटिव कहेंगे? जीरो तो पॉजिटिव कहेंगे सर, पॉजिटिव। चलिए बोलिए बोलिए, पॉजिटिव कहेंगे तो नेगेटिव वाले नहीं मारेंगे सर। नाइदर पॉजिटिव नॉट नॉन नेगेटिव। हां आपने क्या पूछा? यही ना, नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। हम जीरो के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है? तो एक्चुअली पॉजिटिव की तरफ ही लिया जाता है, तो वो कुछ नहीं है, उसमें कोई कंफ्यूजन होने की बात नहीं। आप देखिए दो नंबर में ट्रीट करता हूँ, चलिए x को एक बार पॉजिटिव मान लीजिए। मॉड x को मतलब आपको हमेशा पॉजिटिव ही देंगे। देखिए कैसे, अगर आपने चूज कर लिया कि x इज पॉजिटिव, फर्स्ट केस में आपने क्या ले लिया कि x हमारा पॉजिटिव है, तो जब x पॉजिटिव होगा तो मॉड x क्या देंगे बताइए? किस में लगाएंगे, ऊपर वाले में या नीचे? x पॉजिटिव है तो ऊपर वाले में लगाएंगे सर, ऊपर वाले में ना, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका x आ जाएगा, है ना? ले लिया नेगेटिव, ले लिया तो मॉड एक्स आप कहाँ से आएंगे बताइए, नीचे वाले से ना ऊपर वाले से? नीचे वाले से, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स, और एक्स तो खुद नेगेटिव है ना? जी सर, एक्स खुद ही नेगेटिव है और ऑलरेडी एक नेगेटिव है, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा नंबर? पॉजिटिव, पॉजिटिव आ जाएंगे। नहीं आएंगे क्या, समझ में आ रहा है? एक्स ऑलरेडी माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, आपको पता है। सो ओवरऑल हम लोग चाहे पॉजिटिव नंबर टेकन करें या नेगेटिव नंबर, हमें हमेशा पॉजिटिव ही मिलता है, इसीलिए इसको कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉड्यूलस वैल्यू। क्लियर? यस सर, क्लियर सर। ओके, अब क्वेश्चन पूछिए सर, अब आपको क्या क्वेश्चन इसमें डाउट था वो पूछिए आप सर। हाँ। सर ये को डाउट में, सिग्नम फंक्शन किसे कहते हैं सर? सिग्नम फंक्शन, जी सर, क्या अच्छा आप लोगों ने। चलिए, सिग्नम फंक्शन का होता है स्टेप फंक्शन भी कहते हैं उसको, जो एक ही जगह डिफाइन होते हैं सर, है ना? एक ही जगह जो डिफाइन होते हैं? नहीं, सिग्नम फंक्शन तीन तरह का होता है, या तो प्लस 1 हो जाएगा या माइनस 1 हो जाएगा या तो 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यस सर। कहाँ पढ़ा है आप लोगों ने बताइए, कौन पूछा? क्वेश्चन नंबर 3 में है शायद, सिग्नम फंक्शन क्वेश्चन 5 में है। चलिए, सिग्नम फंक्शन का मतलब ये तीनों होता है। अगर सिग्नम फंक्शन या तो 1 देंगे या -1 देंगे या 0 देंगे, ये तीनों वैल्यू देता है। एक एक करके कर लेते हैं ना, पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं फिर 5 में आएंगे। चलिए ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में और कोई डाउट है शरद? नो सर, मेरा राजप्रताप का था सर, पूछ लिया उससे। अच्छा, क्लियर हो गया डाउट? यस सर, ओके ओके, वेरी गुड। हाँ, यही तो मैं चाहता हूँ, मैंने आपसे कहा भी था ना कि पहले आपस में डिस्कस करिएगा जो भी डाउट होगा, इसलिए तो हम लोगों ने ग्रुप बनाया कि जो डाउट हो आपस में डिस्कस करके हम लोग बहुत कुछ सीख पाते हैं। तो ये नहीं है कि मुझे दूसरे से हेल्प लेने में वो होता है, नहीं, हेल्प लेना चाहिए, खासकर एजुकेशन तो हम लेंगे हेल्प ना, लेंगे। आपस में भी डिस्कस करिएगा, जहाँ पे प्रॉब्लम होगा दोस्तों से डिस्कस करिए, आपस में डिस्कस करिए, ठीक है ना? उसके बाद तो मैं आते क्वेश्चन नंबर 5 में, सिग्नम फंक्शन। ठीक है, आपको पता था सिग्नम फंक्शन के बारे में? यस सर। सिग्नम फंक्शन क्या होता है? ठीक है, सिग्नम फंक्शन वैल्यू देता है बस, यानी कि इसके कोडोमेन में, इसके कोडोमेन पे क्या होगा? फिर 0 माइनस 1। हां, कोडोमेन में एक्चुअली इमेज डोमेन में सर, डोमेन में नहीं, रेंज में सिग्नम फंक्शन क्या होता है? सेट ऑफ रियल नंबर पे डिफाइन तो होता है, लेकिन इनके जो रेंज सेट है, जो सेट ऑफ इमेज का जो सेट होगा, उसमें बस 3 मेंबर होंगे। एक होंगे आपका +1, एक 0 और एक -1, यही 3 मेंबर होंगे सारे। मतलब इट मींस दैट एवरी रियल नंबर कैन बी इमेज्ड इन ओनली 3 नंबर, 0, 1 और -1। ठीक है, कब होता है? सर x ग्रेटर देन होता है 0 से। ठीक है, जब x = 0 और -1 होता है जब x 0। <laughs> आवाज जो साउंड आ रहे हैं ना, जिनके पास से भी इतने साउंड हो रहे हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जब भी देखिएगा साउंड हो रहा है ज्यादा महसूस हो रही है ना, तो आप म्यूट कर दीजिएगा 5-10 सेकंड के लिए, तो वो सही हो जाएगा। और ट्राई करिए साइलेंट रखने के लिए। ठीक है, ये आपका होता है सिग्नम फंक्शन। अकरम पूछे थे ना सिग्नम फंक्शन के बारे में सर, राज। अच्छा ठीक है, राजप्रताप। यस सर। ओके, तो राज, ये है आपका सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन 3 ही वैल्यू देता है, या तो आपका 1 देंगे या 0 या -1। यस सर, सारे रियल नंबर के लिए। कोई भी रियल नंबर लीजिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 उठा लूं, तो राज बताइएगा जरा f(5) कितना होगा? 1। बिल्कुल, राज ही बताइएगा। ठीक है, वेरी गुड। f(0) 0 के लिए 0 होगा। f(-4) -4 के लिए -1। समझ में आ रहा है आपको? इसको अगर मैं ग्राफिकली दिखाऊं तो देखिए कैसे होता है, बहुत अच्छा दिखता है। इसमें ग्राफिकली ये होता है कि एक फंक्शन जब आप राइट साइड में दिखाओगे ना, तो राइट साइड में हो जाता है इस तरीके का, ऐसे करके बॉल कर दो, मतलब ये एब्सेंट है। इसके बाद सारे फंक्शन की वैल्यू 1 होता है राइट साइड में। यहाँ से आपका जो होगा, ठीक है। यस सर। ये सब क्या है, साइलेंट रखिए, बाद में वो कर लीजिएगा। अभी फिलहाल तो मोबाइल को साइलेंट रखिए। यस सर। राज प्रताप, ये सर आप मुझे म्यूट कर रहे हैं? हाँ, नहीं, कोई भी हो साइलेंट कर दीजिए। मेरा मोबाइल 24 घंटा साइलेंट रहता है, तो मोबाइल वाले साइलेंट रखिए। तो ये f(x 1) हो गया। ठीक है, और ये देखिए, ये आपका 0 पे वैल्यू 0 हो गया। और जब आप लेफ्ट हैंड साइड में चले जाओगे तो ये -1 हो जाएगा। देखिए, जो मैं गोला कर रहा हूँ ना, इसका मतलब हुआ कि वो एब्सेंट है, उस पे वैल्यू यहाँ है 0 पे 0। और ये कितना हो गया? f(x 1)। बात देखिए आप क्या हो रहा है। बात ये है कि राइट साइड में जितने भी आप पॉजिटिव वैल्यू को चूज करोगे, उसकी इमेज आपको 1 देंगे, 0 पे इमेज 0 देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में जितने आप नेगेटिव नंबर चूज करोगे, उसकी इमेज -1। जो आपने कहा सिग्नम फंक्शन क्या है सर, यही है सिग्नम फंक्शन। इसका अगर आपने ग्राफ पे ही देख लिया तो यही दिखेगा। इंटरनेट पे देखिएगा, ग्राफ सिग्नम फंक्शन का यही दिखाएगा। ठीक है जी सर। ओके, और कोई डाउट है किसी को सर? क्वेश्चन में ये बोला है कि शो डेट द सिग्नम फंक्शन, ये इसका तो सर इसमें बस आंसर में ये लिखना है। बोलिए, क्या दिखाने का है? इज नाइदर 1 1 नॉर 1 2। पहले तो देखिए, 1 1 नहीं है, तो ये तो सिंपली 1 1 नहीं है, आपको खुद ही पता चल रहा है। ये नहीं पूछा, बस ये पूछा है शो डेट द सिग्नम फंक्शन r2 गिवन y, और फंक्शन में 1 इफ x ग्रेटर देन 0, 0 इफ x इक्वल टू 0 एंड -1 इफ x इज smaller than 0। अच्छा, यहाँ मिस्टेक है किताब में, आपके किताब में मिस्टेक है। x less than 0 के लिए उन्होंने 1 दे दिया, वो -1 होगा। ओके, यहाँ मेरे पास जो किताब है वहाँ पे f(x 1) दिया है, जबकि x less than 0 है, वो मिस्टेक है, -1 होगा। आप सबके किताब में क्या दिया, 1 या -1? तो -1 दे रखा है। चलिए, तब आपके किताब में ठहिए। अगर किसी के पास 1 दिया हो तो -1 कर लीजिएगा। मेरे पास जो किताब है उसमें 1 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए उसमें अकरम, उसमें दिखाने के लिए ये कहा गया है 1 2 ना, तो 1 1 है और नॉर 1 2। बोलिए अकरम। कैसे दिखाएंगे आप? अभी रुकिए सर एक मिनट। हाँ रुकना है अभी अकराम? नहीं सर आप कर सकते हैं सर, आप कंटिन्यू करिए। मैं सोच रहा था आप कहीं जा रहे हो क्लास को। नंबर 5 क्लियर है ना सबको? यस सर। लता लता फिर गायब हो गई क्या? तो नहीं सर हूं मैं। लता फिर से गायब। हेलो हेलो आवाज क्लियर आ रही है ना सबको? आ रही है सर। ठीक है क्वेश्चन नंबर 5 में आपको किस तरह से? हेलो सर 1-1 क्यों नहीं है बताइएगा जरा। चलिए लता बताइए तो 1-1 क्यों नहीं है? बोलिए बोलिए। हेलो लता बोलिए क्यों 1-1 नहीं है? समझ में नहीं आ रहा है क्या सर? सर ऑडियो साफ नहीं आ रही है सर। क्या सर मेरी बुक में भी बनी आया है इसमें। हाँ तो -1 कर दीजिए ना बाबू। मैंने तो कहा कि जिनके जिनके किताब में x लेस देन 0 के लिए 1 दिया हुआ है वो आप -1 कर लीजिए। ठीक है वेदिका ने तो कही है कि उनकी किताब में -1 है और जबकि -1 ही होना चाहिए। मेरी किताब मेरे वाला जो किताब है उसमें भी 1 दिया हुआ है, वो गलत दिया हुआ है ना, प्रिंटिंग में कभी कभी गलत हो जाती है। ठीक है तो वो -1 कर लीजिए। ओके सर ठीक है। अब शरद, चलो शरद बताओ। लता शायद लता मिसिंग है क्या? हेलो हेलो सर सर चलिए बताइए क्यों 1-1 नहीं है ये? सर कौन बताया? मैं बताऊं? हाँ शरद बताइए। चलिए ये 1-1 इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें जो फंक्शन 1 है ना इसमें 1 जो दे रखा है फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 जो है फॉर ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 0 जो है ना उस वाले में fx की 1 की जो इमेज है सारी एक जैसी बनेंगी। हाँ तो हम दिखाएंगे कैसे बाबू? दिखाना पड़ेगा ना। हाँ दिखाने के लिए जरा ऐसे करेंगे ना मैथमेटिक्स तो हिस्ट्री नहीं है कि कोई आपसे सुनेंगे। मैथमेटिकली बोल रहा हूँ कि हमारे पास ये युद्ध हुआ था, आपको लिख के दिखाना पड़ेगा ना। हाँ सर बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए कैसे हम दिखाएंगे। लेट x1 एंड x2 be two रियल नंबर। लेट x1 and x2 be two real number. हाँ ठीक है। हाँ f1 equals to f(x2) for x greater than 0. ठीक है। अच्छा चलिए आपने क्या किया? पहले मैं x1 और x2 दो रियल नंबर ले लिया। हाँ पहले मैं for x greater than 0 के लिए शो करा रहा हूँ सर। ठीक है f(x1) f(x2) ले लेंगे। आपको f(x1) f(x2) कैसे मिल गया? ठीक है तो 1-1 चलिए वेदिका बोलिए। हेलो सर हम इसमें काउंटर एग्जांपल दे सकते हैं। हाँ, जैसे f(2) = f(4) = 1 but 2 ≠ 4। हाँ सर शरद बार बार मैं यही तो कह रहा हूँ कि जब आप काउंटर दिखाओगे ना तो आपको बस एक एग्जाम्पल होना काफी है। इट इज सफिशिएंट टू शो बाय एन एग्जाम्पल दैट You can discard 1-1 is not hold, है ना? 1-1 कंडीशन फेल्ड हो रहा है। देखिए f(2) और f(4) का इमेज कितना हुआ? 1 हुआ, but 2 ≠ 4, तो फंक्शन is not 1-1, है ना? तो मैंने एग्जांपल नहीं किया, डायरेक्ट कर लिया है। आपको बस दिखाना है बाबू कि ये फंक्शन 1-1 नहीं है। और इसके लिए आप क्या करोगे? दो एलिमेंट चूज करो, दोनों नंबर चूज करो और उनमें से डिस्कार्ड कर दो। आपको कोई जरूरी नहीं है x1 x2 चूज करने के लिए इस तरीके से जनरली। और अगर ये जनरली चूज करोगे भी ना तब भी आप नहीं दिखा पाओगे। कैसे दिखाओगे बताओ? x1 x2 के बारे में आपने कुछ नहीं कहा कि ये सर पॉजिटिव नंबर लिया मैंने कि नेगेटिव लिया, और फिर आप कह रहे हो कि सर f of x1 is equal to f of x2। ये कब होगा? अगर आपने चूज किया x1 greater than x2 greater than 0, ठीक है। अगर आपने दोनों को greater than 0 चूज किया तब आप कह सकते हो कि f of x1 equal to f of x2 is equal to 1 होगा। लेकिन वहां से आप क्या डिस्कर्ड कर पाओगे? आपको x1 x2 के बारे में पता ही नहीं है कि वो नंबर कैसा है। तो आपको इस तरीके से दिखाना है जैसे वेदिका ने कहा कि या शरद, ठीक है सर, ओके। इसकी चीज को गौर करिए, आपने पहले भी मिस्टेक किया है तो आप अपनी मिस्टेक को रिकवर करिए और सही डायरेक्शन पे जाइए कि आपको दिखाना कैसे है। जब आपको जनरली प्रूव करने के लिए देंगे तो आप प्रूव करिएगा, काटना होगा तो आप काउंटर से काट दीजिएगा, ठीक है। लेस देन के लिए फिर मैं f-2 और f-4 ले सकता हूं। बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हो, बिल्कुल कोई भी एक एग्जांपल काफी है, बिल्कुल। वेरी गुड शरद। अगर नेगेटिव चाहो तो आप नेगेटिव -2 -4 ले सकते हो, -5 -7, कोई भी नंबर बस एक आप बिल्कुल बिल्कुल एक पॉजिटिव। अब अगर बताओ अगर 1 2 नहीं दिखाना, ये 1 2 भी नहीं है। अब शरद बताइएगा कि 1 2 क्यों नहीं है? सही है, 1 2 इसलिए नहीं है क्योंकि 0, 1 और -2 को छोड़ के जितने भी मेंबर हैं डोमेन के उनके पास प्री इमेज नहीं है। डोमेन में मतलब डोमेन के नहीं, कोडोमेन का, हाँ। एक्सेप्ट 0, 1, -2 नो अदर मेंबर ऑफ कोडोमेन हैज प्री इमेज इन इट्स डोमेन। बिल्कुल सही शरद। बस 1, 0 और -1 इसकी तीनों इनकी है ना, इसीलिए जो की प्री इमेज है। बाकी पर अगर हम लेते हैं कोडोमेन से कोई भी नंबर तो उनके पास हमारे प्री इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन 1 2 नहीं है। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर ना, सबको क्लियर है? किसी को डाउट हो तो पूछिएगा। चलिए, आई थिंक सबको क्लियर है। कोई क्वेश्चन और क्वेश्चन है? वो नहीं है सर। वेदिका, कोई क्वेश्चन नहीं है? और नो सर। चंद्रप्रताप, नो सर। शरद, कोई डाउट है? और नो सर। अकरम को भी नहीं है सर। अकरम को भी कोई डाउट? अच्छा, अकरम और शरद एक साथ बैठे हुए हो? हाँ, अकरम शरद नहीं सर, सीपी और अकरम साथ में। कौन? अच्छा, चंद्रप्रताप और अकरम। शरद अलग हो, सॉरी, आप दोनों एक साथ। और लता से कम्युनिकेशन कर पा रही है शायद। लता, यस सर। आपको कोई डाउट है? नो सर। समझ में आ रहा है ना मैथमेटिक्स? यस सर। ठीक है। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। जी सर। After here we have discussed about state, relation, function and their various types. Okay. The next topics are compositions of function and invertible function. So in this section we will discuss about how to composite of two functions. ठीक है, composition मतलब ये जानते हो आप कि हम जो जैसे कि नंबर का प्रोडक्ट हुआ ना, जैसे नंबर का प्रोडक्ट हुआ, इससे पहले हमने सेट का प्रोडक्ट किया था। सेट का कौन सा प्रोडक्ट निकाले थे हम लोगों ने? कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले थे। नंबर की जैसे प्रोडक्ट कर लेते 2 नंबर का 3 × 2 6 हो जाता है ना, इसी तरह से हम सेट का प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते हैं तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। उसी तरह फंक्शन कभी ऐसे नहीं लिख सकते कि f × g। तो उनके लिए क्या डिफाइन किया जाता है? कंपोजिशन फंक्शन डिफाइन किया जाता है। तो कंपोजिशन एक तरह से प्रोडक्ट ही माना जाता है, लेकिन उसके डिफाइन करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। तो हम वी आर नाउ गोइंग टू डिफाइन हाउ कंपोजिट ऑफ टू फंक्शन। दो फंक्शन को हम कैसे कंपोजिशन फंक्शन बनाते हैं, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। देखिए, गौर करिएगा। मैं दो फंक्शन उठा लेता हूँ, f और g। इफ अ फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम सेट a टू सेट b मेरी तरफ से आवाज नहीं है सही। किसी और की तरफ से आवाज है ना? नहीं, लता की तरफ से आ रही है। लता की तरफ से, लता की तरफ से आवाज आ रही है। ये तो आई रिक्वेस्ट, लता म्यूट कर लो अपना। प्लीज कीप साइलेंस प्लीज। अगर किसी को देखिएगा कि आपको आपने आपको पता चल जाएगा ना कि इतने साइलेंट हो, आप म्यूट कर दीजिए। चलिए, तो हमने एक फंक्शन किया है जो ए फंक्शन डिफाइन किया सेट ए से सेट बी, और जी एक अलग सा फंक्शन लिया सेट बी से सेट सी में। अब हम जा रहे डिफाइन करने कंपोजिशन को। कंपोजिशन कैसे डिफाइन होता है, देखिए जी को डिफाइन कर दीजिए। चलिए, ए को डिफाइन किया ए से बी एंड बी से सी, तो ये आपका एफ था, ये आपका जी था। तो जब आप कंपोजिशन डिफाइन करोगे तो उल्टा हो जाते हैं, जी कंपोजिशन एफ हो जाता है। हाँ सर, वो राजप्रताप तो डिस्कनेक्ट हो गया है, अब वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा, तो आप उसे कॉल कट करके दोबारा कॉल कर। राजप्रताप को ना कॉल कट करके दोबारा कर दीजिए। हेलो हेलो, हो गया? मेरी आवाज आ रही है? आ गया ना? आवाज आ रही है? आवाज तेरी जी जी आवाज आ रही है। हो गया हो गया। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अभी तक मैंने ये कहा कि अब हम जा रहे हैं कंपोजिशन निकालने फंक्शनों की। जैसे हम फंक्शन को कंपोजिशन करते हैं, कंपोजिशन का मतलब एक तरह से प्रोडक्ट ही है, लेकिन हम इस तरीके से लिखेंगे जी कंपोजिशन, जी कंपोजिट ऑफ एफ। ठीक है कैसे सर? देखिए अभी तक जो पढ़े थे हम लोगों ने, फंक्शन पढ़ा और फंक्शन के टाइप पढ़ लिए, किस किस टाइप का फंक्शन होता है, वन ऑन फंक्शन, वन टू फंक्शन, है ना। अब हम एल्जेब्रा जिसको कहते हैं, जैसे हम सब नंबरों के एल्जेब्रा भी जानते हैं। अब एल्जेब्रा में क्या क्या आता है? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, प्रोडक्ट, डिवीजन, ये सब आता है ना। तो उसी तरह से फंक्शन का जो इंपॉर्टेंस आते हैं वो कंपोजिशन में आता है। दोनों फंक्शन को कैसे हम कंबाइन करके लिखेंगे, एक साथ मिक्स करके, उसी को कंपोजिशन कहते हैं। तो इनको लिखने का कुछ रूल्स है ना। उसी रूल्स को, कुछ रूल्स के ऊपर डिपेंड करके हम जा रहे हैं कंपोजिशन बनाने। तो कंपोजिशन बनाने के मैंने ये कहा कि हमें दो फंक्शन डिफाइन करना है। हमने जी को, मानिए जी इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है। और एक फंक्शन और है एफ फ्रॉम सेट बी टू सेट सी, ठीक है। तो इसी को आप दोनों फंक्शन को कैसे मिक्स करके, प्रोडक्ट करके, कंपोज करके हम कैसे लिखेंगे, देखिए। ए टू बी में मेरा डिफाइन था जी फंक्शन, और बी टू सी में डिफाइन था एफ फंक्शन। इन्हीं दोनों फंक्शन को जब आप कंपोजिट करोगे तो इसको लिखोगे एफ कंपोजिट जी फ्रॉम हो जाता है ए टू सी, ठीक है, ए टू सी, ठीक है। हाँ, तो ये क्या हो जाता है? हाँ दिख रहा है ना? हाँ सर दिख रहा है। ये आपका हो जाता है एफ कंपोजिशन जी, एफ कंपोजिशन जी फ्रॉम सेट ए टू सेट सी पे, ठीक है। और करिए, सारे कंडीशन जरूरी है। जी फंक्शन मेरा कहां से कहां था? जी फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ए फंक्शन कहां से था? फ्रॉम सेट बी टू सेट सी। हमने इन दोनों फंक्शन को कंबाइन करके लिखना चाहा, तो इसलिए मैंने लिख दिया एफ कंपोजिशन जी ए टू सी पे। कौन गायब हो गया? देखिए बीच का जो ये बी था ना, ये गायब हो रहा है, हाँ है ना। इसको देखिए, और तरीका देखिए लिखने का, ए से बी से सी, ये आपका क्या था? जी था। ये क्या था? एफ था। जब आप यहां से ऐसे डायरेक्ट आ जाएंगे, देखिए एफ कंपोजिशन जी, ठीक है। हेलो हेलो, ठीक है सर, ठीक है सर। सर हम लोग अपना वीडियो ऑन कीजिए, सब लोग जॉब करेंगे। देयर इज अ वेरी सीनियर प्रोफेसर हु वांट टू टीच यू। अरे आई तो बात, अरे सब लोग बात करेंगे। प्रोफेसर कमर जहां इज विद अस, वो देखने आई है कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाई हो रही है। हाँ आइए शरद, चलिए शरद, शरद, वेदिका कम ऑनलाइन, लता, अकरम प्लीज कम ऑनलाइन, जो ऑन कीजिए। It's very exciting because I have never seen such kind of education. यहाँ से हम लोग टीचर्स ट्रेन होते हैं ना, वहाँ पे आप लोग नहीं दिख रहे हैं, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। सर दिख नहीं रही सर, स्क्रीन बड़ी कर दीजिए। अब दिखा नहीं मैम, दिख रहा है? हाँ मैम दिख रही है सर, दिख रही है। मुझे नहीं दिख रही सर, मुझे नहीं दिख रही। बात कर लीजिए सर, राय प्रताप को नहीं दिख रही शायद उस। अच्छा चलो कोई नहीं, सब रिकॉर्ड हो रहा है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। बहुत मेहनत से आप लोग काम कर रहे हैं माशाल्लाह, दिस इज वेरी गुड। और वो मैडम देख रही थी कि कैसे ऑनलाइन पढ़ाई जाते हैं, क्योंकि उनके टाइम पे ये सब नहीं होता था। ठीक है, दिस इज अ न्यू फॉर हर एंड शी इज अ वेरी सीनियर प्रोफेसर, अब तो रिटायर हो गई है बट हमने बीएड कर रहे हैं वहाँ पे प्रोफेसर। ठीक है जी सर, बिल्कुल सर। आपका एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है? बिल्कुल अच्छा लग रहा है मैम, बहुत अच्छा। सब समझ में आ जाता है थोड़ा नीचे एक्सपीरियंस। जी मैम सब समझ में आता है, तो बहुत अच्छी बात है। सब वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। जाती की क्लासें हो रही है, ठीक है? Yes sir. Discussing about composition of function, है ना? Function की कैसे find करते हैं? सबको डायग्राम दिख रही है ना स्क्रीन के ऊपर? Yes sir. Yes sir दिख रही है। Okay. तो हमने एक function g लिया from set A to set B and we are taking another function f from set B to set C. So composition of f composition g, देखिए उल्टा हो रहा है। शरद गौर करिएगा, पहले g था फिर बाद में f था, तो मैंने जब composition बनाया तो फिर बाद वाले f को पहले लिख दिया और g को बाद में लिखा। ये सब चीजों को नजर रखना है, क्योंकि इसी तरह से आपको composition बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपके किताब देखिएगा, सबके पास किताब है ना? सबके पास किताब है कि नहीं? Yes sir. Yes sir है। ओके बिल्कुल। आप देखिए कैसे डिफाइन होगा f कंपोजिशन g। अब मैं x टेकिंग कर x ले रहा हूं, बताइएगा तो ये जो x मैंने लिया ये कहां का मेंबर है? x बिलोंग्स टू वेयर? बोलिए, x जो होगा कौन सी सेट का मेंबर होगा? x सेट का नहीं, नहीं f कंपोजिशन g पे गौर करिए, f कंपोजिशन g पे, f कंपोजिशन g के लिए डोमेन क्या है? ए। ठीक है ना, f कंपोजिशन g में मेरे जो x आएंगे वो a से आएंगे। ठीक है, ये किस तरह से डिफाइन होता है देखिए, f कंपोजिशन g ऑफ x इज नथिंग बट f ऑफ g ऑफ x, इस तरह से, है ना? अब अगर मैं पूछूं, बोलिए तो gx कहाँ का मेंबर होगा? gx f कंपोजिशन g का, बस मैंने कहा g ऑफ x होगा, वो कौन सी स्टेट का मेंबर होगा? अरे कौन सी स्टेट? तो बोलिए वेदिका, बोलिए b का, आई थिंक हां सेट b का, है ना? सेट b का क्यों? क्योंकि g को गौर करिए, क्योंकि g को से बी पे गया है, तो जो जी एक्स होगा वो कहाँ जाएंगे? बी पे जाएंगे। इमेज ऑफ जी एक्स जो होगा वो बी के सबसेट होंगे ना, तो बी के अंदर जाएंगे। ठीक है, और अगर हाँ अगर ये पूछ लूं पूरा कि आप बोलिए जो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स होगा वो कहाँ का मेंबर होगा? सर सी का। सी का, बिल्कुल। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? शरद, अकरम सर अभी क्लियर नहीं हो रहा है, अभी क्लियर नहीं हो रहा है सर। ऐसे ही ईमानदारी से ना सच बोलना है कि सर क्लियर नहीं हो रहा है, बिल्कुल एकदम सच बोल देना है। अब बोलिए एक एक करके कहाँ क्लियर नहीं हुआ, डाउट कहाँ हो रहा है ये बताइए पहले। ये तरीका है तो बनाया है। बस एक दो बातें हैं कि जब हम नई चीजें पढ़ेंगे ना तो घबराना नहीं है, क्योंकि जब भी हम कोई चीज नई पढ़ते हमें फैमिलियर तो होते नहीं, हम थोड़ा अलग लगते हैं, लेकिन धीरे-धीरे आते हैं ना ये तो। हाँ सही कह रहे हो आप लोग। लता के पास आवाज आ रही, लता अपने फोन को सही करिएगा। ठीक है, तो एफ कंपोजिशन जी, एफ कंपोजिशन जी को डिफाइन करने की जो तो तरीका है वो एफ कंपोजिशन जी एक्स के साथ जब ऑपरेट होंगे तो इस तरीके से ऑपरेट होते हैं। पहले जो अंदर वाले फंक्शन जी था वो जी एक्स के साथ ऑपरेट हो लेंगे, उसके बाद एफ जो बाहर रहेंगे वो जी एक्स के साथ ऑपरेट होने वाला है। ठीक है, तो एफ ऑफ जी एक्स इस तरह से डिफाइन होते हैं। ये तरीका है डिफाइन करने का। दिस इज द वे हाउ वी कैन डिफाइन कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। दो फंक्शनों के बीच में कैसे हम कंपोजिशन डिफाइन करते हैं, ये तरीका है। ठीक है सर, ओके ले सर। आप क्या एग्जांपल लेके समझा सकते हैं सर? बिल्कुल करेंगे, एग्जांपल तो करेंगे, अभी तो शुरू किया है, अभी तो बस ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है। एग्जांपल करेंगे तो आपको धीरे धीरे और हाँ एग्जांपल से क्लियर होता है सर। देखिए एक बात और कहना चाहता हूँ, जो नेसेसरी कंडीशन है ना कंपोजिशन, हम तो क्या हम हमेशा कंपोजिशन फंक्शन डिफाइन कर पाएंगे? क्या कोई नेसेसरी कंडीशन है कंपोजिशन डिफाइन करने के लिए? यही आप पढ़ने वाले हैं ना। तो एक नेसेसरी कंडीशन होता है कंपोजिशन को डिफाइन करने के लिए, वो ये होता है कि जब भी आप कंपोजिशन डिफाइन करो, देखो यहाँ गौर करो जी और एफ में, देखो क्या है, हमने तीन सेट कंसीडर किया है, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी, और दो फंक्शन है जी और एफ। तो कब हम कंपोजिशन डिफाइन करेंगे? व्हेन वी कंपोज टू डिफाइन कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। तो नेसेसरी कंडीशन ये होगा कि इमेज ऑफ जी, देखिए इमेज ऑफ जी, हाँ जो इमेज ऑफ जी, सॉरी जो इमेज बनेगा ना, इमेज ऑफ फंक्शन जी, जी फंक्शन का जो इमेज होगा वो कहाँ आना चाहिए? वो सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ। ये नेसेसरी कंडीशन है कि जब आपका इमेज ऑफ जी जो होगा वो डोमेन ऑफ एफ में कंटेन होगा तभी आप कंपोजिशन डिफाइन कर पाओगे। ठीक है, ये नेसेसरी कंडीशन है। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है ये चैप्टर, बस रिलेशन फंक्शन ही आपको थोड़ा सा हाई लेवल का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। इसके बाद जो आएगा डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स, उसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए, ये भी आसान है, मुश्किल नहीं है कुछ भी, बस थोड़ा सा आपको टाइम लगेंगे। धीरे धीरे सोचिए और बार बार पूछिए, जहां नहीं समझ में आएगा दोबारा मैं बताऊंगा, है ना। तो ये नेसेसरी कंडीशन है, इमेज ऑफ जी शुड बी कंटेन इन डोमेन ऑफ एफ। क्लियर? ओके, देखिए किताब को, देखिए आप सब लोग किताब देखिए, डेफिनेशन नंबर 8 को पढ़िए, डेफिनेशन नंबर 8 पढ़िए। लेट एफ सेट 8 एंड अपने आप पढ़ना है, अपने आप पढ़िए। अच्छा सर, फंक्शन देखिए मैंने जो कहा है ना वही लिखा हुआ है सारे, मैंने जिस तरह से डिफाइन कर दिया है ना वही लिखा हुआ है। देखिए दो फंक्शन लिया गया, सेट एफ, ए फ्रॉम सेट ए टू सेट बी एंड जी फ्रॉम सी बी टू फंक्शन। देन द कंपोजिशन एफ एंड जी डिनोटेड बाय जी कंपोजिशन एफ इज डिफाइंड एज द फंक्शन जी कंपोजिशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सी गिवन बाय जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स इज जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। जिस तरह से मैंने बोल दिया सेम टू सेम वही लिखा हुआ है। देखिए सबको समझ में आया? क्लियर है ना? क्लियर है। क्लियर है? क्लियर? डेफिनेशन तो क्लियर है, लेकिन मुझे ये क्लियर नहीं है। बोलिए। कि आपने जो अभी वैल्यू निकाली थी ना, जैसे ए टू बी जाने पे जी निकाल रहे थे और बी टू सी जाने पे एक्स वगैरह जो निकाले, वो समझ में नहीं आ रहे हैं। चलिए तो आप जब हम एग्जाम्पल देंगे तो क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। चलिए एग्जाम्पल पे आते हैं, देखिए क्लियर कैसे होता है। एग्जाम्पल नंबर 15 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 15 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 15 पे आते हैं। सेट ए क्या है हमारे पास? बोलिए। 2 3 4 5। एग्जाम्पल नंबर 15 में सेट ए किसको लिया गया है बताइए जरा। 2 3 4 5। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 2 3 4 5। ठीक है, सेट बी बोलिए। 3 4 5 9। हाँ 3 4 5 9 ठीक है। और सेट C इज इक्वल टू 3 4 5 नहीं 7 11 15 ए से बी कौन सा फंक्शन है? ए से बी पे बोलिए बोलिए। हाँ ए से बी पे एफ है और बी टू सी पे जी ठीक है ना, यही तो है ना। देखिए तो बी टू सी पे यही है तो क्वेश्चन ले सकते हैं ना, सकते हैं ना। इमेज एफ आवाज आ रही है सर साइड से। हाँ वही है ना, थोड़ा बहुत आप लोगों को साइलेंट रखना पड़ेगा ठीक है, कोई बात नहीं, एक आध बार ऐसे हो रहे हैं ठीक है। इमेज ऑफ एफ शुड कंटेन इन डोमेन ऑफ ए सॉरी डोमेन ऑफ जी ठीक है, ये एफ नहीं डोमेन ऑफ जी। क्या ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखिए तो जरा, यहाँ का इमेज जो होगा एफ का वो किस में जाएंगे? बी के अंदर ही तो जाएंगे ना। हाँ। और जी का डोमेन क्या है? बी है। नेसेसरी कंडीशन, तो नेसेसरी कंडीशन इज होल्ड है ना। सो वी आर कंफर्ट टू कंबाइन दिस टू फंक्शन। अब हम कंपोजिशन ले सकते हैं इन फंक्शनों की है ना। कंपोजिशन लीजिए, क्या होगा बताइए? अब कंपोजिशन लेंगे तो बीच वाला जो होता है वो गायब हो जाता है, तो ए से सी पे कंपोजिशन हो जाएगा। ए से सी पे कंपोजिशन हो जाएगा यानी कि एक फंक्शन, नया फंक्शन आएंगे जो सेट ए से सेट सी पे डिफाइन होंगे। और वो फंक्शन किस तरह से लिखेंगे बोलिए जरा? जी कंपोजिशन एफ। मैंने कहा ना जो बाद में रहता है उसको पहले लिखा जाता है, तो बाद में कौन है? एफ और जी। जी को पहले लिखेंगे है ना, एफ पहले था तो उसको बाद में लिखेंगे। तो हमारे जो नए फंक्शन आ जाएंगे वो फंक्शन हमारा आ गया जी कंपोजिशन एफ। ये फंक्शन नया फंक्शन आया, कहां से कहां तक होगा बताइए जरा? बोलिए बोलिए सर। ये होगा 2 3 4 5 से 7 11 15 है ना, इसलिए मैंने सेट डिफाइन कर दिया। तो कौन से सेट से कौन से सेट में होगा बताइए जरा बस। अच्छा ए टू सी, सेट ए टू सी ठीक है ना। तरह देखो आप धीरे धीरे जैसे एग्जांपल करोगे ना वो डिफाइन जो डेफिनेशन था वो क्लियर हो जाएगा ठीक है। हाँ सर, हाँ उसके साथ बस थोड़ा सा, हाँ वो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे, थोड़ा टाइम दो बस, उसके साथ मैचिंग करने की कोशिश करो ठीक है। देखो अभी हमने 3 सेट ले लिया था ए बी सी और 2 फंक्शन लिया, दोनों फंक्शन को मैंने कंबाइन कर दिया और जी कंपोजिशन एफ हमें मिला है ठीक है ओके। सर इसमें आप एक चीज दोबारा बताना, जो कंडीशन होल्ड जो हो रही है वो कैसे हो रही है? कंडीशन इसके होल्ड आ रहा है। इमेज ऑफ एफ क्या आएगा बताइए जरा? इमेज ऑफ एफ आएगी बी। पूरे बी आ रहा है क्या? नहीं इमेज ऑफ एफ तो बी आएगी ना, वो तो एफ देखने के ऊपर डिपेंड करेगा। चलो एफ देख लेते हैं ना। चलो एफ का इमेज क्या है? एफ ऑफ टू का इमेज क्या दिया है? एफ ऑफ टू इक्वल टू कितना दिया है बताओ? 3। और f of 3 is equal to 4 ठीक है। और f4 is equal to f4 equals to f5 equals to 5, f5 is equal to f5 equals to 5 है सर 5। तो बताओ इमेज ऑफ f क्या आया? इमेज ऑफ f के क्या होगा? कलेक्शन ऑफ ऑल इमेज क्या आया बताओ? 3 4 5 ठीक है ना। अब बताओ ये हमारे इमेज सेट आया है एफ का। अब हमें दिखाना क्या होगा कि डोमेन ऑफ जी में कंटेन हो, तब हम कंपोजिशन डिफाइन कर पाएंगे। अब डोमेन ऑफ जी बताओ क्या है? डोमेन ऑफ जी है सर बी है ना। क्या बी लिख दो? चलो लिख देते हैं 3 4 5 and 9 यानी कि पूरा सेट बी, यह हमारा डोमेन ऑफ। अब बताओ क्या इमेज ऑफ एफ जो है वो डोमेन ऑफ जी में कंटेन है कि नहीं है? कंटेन है सर। इसको कितना इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये है ना सर। हाँ सर तो मैं ये तो समझ में आ गया कि जो इमेज ऑफ एफ है वो डोमेन ऑफ जी ठीक है। हेलो हाँ प्लीज रिपीट करिए अपना क्वेश्चन सर। ये इमेज ऑफ एम जो डू में जी में कंटेन है, ठीक है। हाँ हमेशा नहीं होगा, हमेशा नहीं होगा, यहाँ यहाँ हो रहा है ना, इसीलिए हम डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, यही आपको चेक करना है। जब भी आपको नेसेसरी कंडीशन, मतलब मैंने समझ पहले ही कह दिया कि नेसेसरी कंडीशन होता क्या है, आपको पहले नेसेसरी कंडीशन देखना होता है। तो ये आपका नेसेसरी कंडीशन है कंपोजिशन डिफाइन करने के लिए। तो आपने देखा कि हमारा जो नेसेसरी कंडीशन है वो होल्ड हुआ है ना जी। नेसेसरी कंडीशन होल्ड हो गया, इसलिए हम कंपोजिशन को डिफाइन कर पाएंगे। अब हम आगे जाएंगे डिफाइन करने, और डिफाइन तो हमने कर दिया, और वो निकालना भी पड़ेगा कि जी कंपोजिशन एफ किस तरह से डिफाइन होगा। वो सारे हम निकालेंगे, आप धीरे धीरे जैसे निकालेंगे आपका क्लियर होता जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया कि फंक्शन ऑफ 2 3 कैसे आया, फंक्शन ऑफ 3 4 कैसे आया, फंक्शन ऑफ 5 4 5 कैसे आया। क्या क्वेश्चन में गिवन है भाई? अच्छा, ये क्वेश्चन में गिवन है। f(2) 3 कैसे आया, ये नहीं समझ में आया? नहीं आया। अरे ये दिया हुआ है, ये गिवन है। दिया हुआ है, गिवन में है, ये गिवन है। कौन पूछा? अकरम? राजप्रताप सर। राजप्रताप, चलिए कोई नहीं। राजप्रताप, ये आपको गिवन है, किताब में ये दे दिया है, वो आप खुद से बना सकते हो। f(2) = 3, f(3) = 4, f(4) = 5, f(5) = 5। ये फंक्शन का मतलब नेचर दिया हुआ है कि इस तरह से फंक्शन डिफाइन किया है। आप खुद की अपने मन से भी फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, किताब वालों ने इस तरह से फंक्शन को डिफाइन किया है। चलिए आप बताइए, चलिए कौन? राजप्रताप था ना? राजप्रताप आप बताइए, क्या ये फंक्शन होगा? बस एफ को चेक करिए राजप्रताप, और मुझे बताइए क्या एफ फंक्शन है कि नहीं है? एफ है अगर कंडीशन होल्ड हो रहा है तो बिल्कुल ठीक है। इस तरह से आप लाखों तो नहीं है, मतलब बहुत सारे फंक्शन डिफाइन कर सकते हो। कितने फंक्शन डिफाइन कर पाओगे बताओ? एफ की तरह कितने फंक्शन आप नए फंक्शन डिफाइन कर सकते हो फ्रॉम सेट ए टू सेट बी में? ए टू बी में सर 4 हो जाएंगे। नहीं वो नहीं होंगे सर, एक सेकंड बोलो कितने फंक्शन आप डिफाइन कर पाओगे फ्रॉम सेट ए टू सेट बी पे? उन्होंने तो एक फंक्शन डिफाइन कर दिया बस एफ को। आप इस तरह से कितने फंक्शन डिफाइन कर पाओगे? नंबर ऑफ फंक्शन हाउ सारे कर सकते हैं। नंबर ऑफ फंक्शन डिफाइन फ्रॉम सेट ए क्यों सर? वो n की पावर m 4 हो जाएगा तो 256। आपके पास एग्जैक्ट फॉर्मूला पता है तो कितने फंक्शन हो जाएगा? 256 सर। 256 4 to the power 4 कर लिया ना वेदिका? हाँ सर। यस सर। ठीक है, 4 to the power 4 हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, है ना? तो देखिए 256 फंक्शन में से उन्होंने बस एक फंक्शन पिक करके आपको दे दिया। आप अगर आप चाहो ना तो बाकी 255 फंक्शन खुद से डिफाइन कर पाओगे। तो इतने फंक्शन, हमें तो एक फंक्शन जरूरत था, तो वो किताब वालों ने दे दिया आपको, है ना? तो उससे घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो एफ आपको गिवन है, जी भी आपको गिवन है। आई थिंक जी गिवन है कि नहीं? जी भी गिवन है। चलिए जी भी गिवन है। देखिए जी का नेचर कैसे दिया है। सॉल्यूशन जो दे रखा है, हाँ जो इसका मतलब एग्जांपल 15 का सॉल्यूशन है, वो मतलब कैसे दे रखा है सही समझ में नहीं आया। वो किस तरह से लिखा हुआ है जहाँ तक उसको समझिए, ठीक है। अभी तक हमने कहा बस एफ का डिफाइन समझ में आया है कि नहीं आया है? हाँ आया सर। जी का आया। अब आपको क्या निकालना है? देखिए जी कंपोजिशन एफ निकालना है, हम फाइंड करेंगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा। जी कंपोजिशन एफ कहाँ से कहाँ पे होगा बताइए जरा। A to C, बिल्कुल ठीक है। हाँ ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट था? ए के अंदर 2 3 4 5, ठीक है। और सी के अंदर 7 11 और 15, है ना? चलिए तो आप हम क्या करना है, ये नए फंक्शन हमें मिला है जी कंपोजिशन एफ। अब इस फंक्शन का नेचर हमें फाइंड करना पड़ेगा। जैसे एफ का नेचर दिया हुआ था, जी का नेचर दिया हुआ था, उन दोनों नेचर की हेल्प हमें लेना है और डी कंपोजिशन एफ का नेचर फाइंड करना है। नेचर का मतलब इमेज फाइंड करना है सारे एलिमेंटों का, है ना? बस यही काम करना है मुझे। तो देखिए क्या करूंगा, जी कंपोजिशन एफ पहला मेंबर क्या है? सारे एलिमेंट का, डोमेन का, हर एक एलिमेंट का मुझे इमेज फाइंड करना है। तो पहला मेंबर हमारे पास क्या है ना, टू। डीकंपोजिशन एफ ऑफ टू, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए मैंने बोल दिया था कि डीकंपोजिशन एफ, घबराइए मत, बहुत आसान है। अब एफ ऑफ एक्स किस तरह से डिफाइंड है, डी ऑफ एफ ऑफ एक्स इस तरह से डिफाइंड है, ठीक है ना। तो इसके साथ कंपेयर करिए, बस एक्स की जगह पे हमारे क्या है, टू है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ टू, ठीक है शरद। अब आप देखिए अंदर, पहले अंदर वालों की ऑपरेट करिए। एफ ऑफ टू कितना है बोलिए जरा, एफ ऑफ थ्री। अब देखिए अब जी ऑफ थ्री कितना है, सेवन। ओके, तो हमें फाइनली क्या मिल गया कि डी कंपोजिशन एफ टू का इमेज जो होगा वो कितना होगा, सेवन होगा, है ना। सिंपल है, सिंपल है ना, बहुत सिंपल है, बहुत। जब एग्जांपल कर लोगे ना तो डेफिनेशन में सबको लगता है। सच कहो तो जब हम लोग आपके स्टैंडर्ड में थे ना तो हमें कंपोजिशन समझ में ही नहीं आ रहा था, आप लोगों को तो फिर भी बहुत कुछ समझ में आ रहा है। तो धीरे धीरे थोड़ा टाइम दीजिए, इंशाल्लाह सब क्लियर हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा मुश्किल है, आसान नहीं है उतना, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत आसान है, लेकिन कंसेप्चुअल है ना, आपको समझ में आ जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ ना समझाने की, ठीक है। अब अगला देखिए, या हमने पहले एलिमेंट का इमेज निकाल दिया, इसी तरीके से आपको सारे इमेज निकालना है। देखिए मैं 1 2 करके इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। जी कंपोजिशन एफ ऑफ किसका इमेज निकालना है, अब ठीक है। आइए यहाँ से क्या हो जाएगा, जी ऑफ थ्री, है ना। अब बताइए जी ऑफ एफ ऑफ थ्री कितना, जी ऑफ एफ ऑफ थ्री कितना है, जी ऑफ फोर, जी ऑफ फोर सेवन है, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, जी कंपोजिशन एफ ऑफ थ्री इज ऑल्सो सेवन। बाकी आप कर लोगे 4 5 का, बिल्कुल। अब समझ में आ रहा है ना, मुश्किल है कि आपको लग रहा है, अभी तो मुश्किल ही लग रहा है अभी भी। तब तक मैं खुद से नहीं करूंगा, आपसे तब तक नहीं आएगा ना। चलिए चलिए, वेदिका समझ में आया सर, ये आ गया। ओके लता, लता समझ में आ रही है ना, यस सर आ गया, ठीक है। और अकरम, चलिए खुद भी और एक आध सवाल लगाइएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक सवाल और करते हैं, देखिए इसी में समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 16 देखिए, तो सब करिए, अपने अपने कॉपी पेन लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 16, फाइंड जी कंपोजिशन एफ एंड एफ कंपोजिशन जी। देखिए कैसे घुमा दिया है, फाइंड जी कंपोजिशन एफ एंड एफ कंपोजिशन जी इफ एफ फ्रॉम आर टू आर एंड जी फ्रॉम आर टू आर आर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स टू कॉस एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, एंड सो दैट जी कंपोजिशन एफ जो आएंगे आपके पास वो एफ कंपोजिशन जी के इक्वल नहीं होंगे, यही आपको शो करना है। क्वेश्चन सबको समझ में आया क्या करना है? यस सर। चलिए क्वेश्चन में ये कहा गया है कि दो फंक्शन लीजिए, एफ फ्रॉम आर टू आर, आर टू आर, जी फ्रॉम आर टू आर, दोनों फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर तक ही है, ठीक है। ओके तो ठीक है, ये इनका जो इमेज सेट आएगा वो इसमें कंटेन हो जाएंगे आर में, तो हमारे पास कंपोजिशन डिफाइन हो सकता है। तो पहले काम हो गया। हाँ सर, हाँ एग्जांपल 16 है, 17 है, आवाज कट रही है, 16 है, एग्जांपल 16 है। ओके सर, अच्छा पता ही नहीं चला कौन सा एग्जांपल है। हाँ एग्जांपल नंबर, एग्जाम्पल नंबर 16 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 16 देखिए, और आपको शो करना है कि इफ कंपोजिशन जी जो होगा वो नॉट इक्वल टू जी कंपोजिशन एफ, एफ कंपोजिशन जी और जी कंपोजिशन एफ जो होगा वो डिफरेंट होंगे, दे आर नॉट इक्वल, ठीक है। ये आपको शो करना है कि एफ कंपोजिशन जी और जी कंपोजिशन एफ आर नॉट इक्वल। चलो एफ कंपोजिशन जी निकालो पहले, तो cos 3x आप तो कर लोगी वेदिका, बाकियों की क्या है, बाकी सबको आ रहा ना। शरद हेलो, शरद आवाज कर रहा हूँ, आवाज ठीक है ना? हाँ सर कर रहा हूँ। करिए एप कंपोजिशन जी का मतलब देखिए, जब आप एप कंपोजिशन जी निकालोगे ना, एप कंपोजिशन जी देखिए उल्टा चलना पड़ता है। एप कंपोजिशन जी के जब जी बाद में है ना, तो आपको पहले जी रखना पड़ेगा। आर टू आर यहाँ आपका जी आएगा और उसके बाद एप आएंगे। तो आप ऐसे लिखोगे तो यहाँ से आर टू आर हो जाएगा एप कंपोजिशन जी। और फिर जब आप जी कंपोजिशन एप निकालोगे तो पहले एप को रखना पड़ेगा। आर टू आर एप रख दो, फिर आर टू आर जी रखो, यहाँ पे जी रखो, यहाँ पे एप रखो। यहाँ से जो कंपोजिशन आएगा वो आपका आएगा जी कंपोजिशन एप। ठीक है, ये ट्रिक है। आप बाद वाला जो फंक्शन है उसको पहले रखना पड़ता है। ठीक है, शायद वेदिका ने पहले पढ़ रखे होंगे एक दो बार, पढ़ रहा हूं मैं। वेदिका ने पहले पढ़ के रखा है ना, शायद टाइम में समझ में आना मुश्किल है। ऐसा कुछ नहीं है, जब आप करोगे ना समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए हम करेंगे ना, इस सवाल से नहीं समझ में आएगा, मैं खुद कह रहा हूँ। हम करेंगे धीरे धीरे। देखो एप कंपोजिशन जी निकालो, एप कंपोजिशन जी यहाँ तो एक्स है, तो देखो एप कंपोजिशन जी का, देखो एप कंपोजिशन जी अब एक्स है पर्टिकुलर, तो यहाँ देखो सेट ऑफ रियल नंबर क्या है, इनफाइनाइट सेट है कि फाइनाइट सेट है? बहुत सारे मेंबर है इसलिए देखो जनरली दिखाया गया। तो एप कंपोजिशन जी ऑफ एक्स देखो क्या आएगा, पहले क्या होगा, सारे में एक ही करना है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, बताओ जी ऑफ एक्स क्या है? क्या हुआ है तो बोलने में कोई जी ऑफ एक्स क्या है आपको 3x। अब देखो आपको क्या निकालना है, एफ ऑफ 3x² की वैल्यू कितना होगा। देखो कैसे, अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आई थिंक कॉस एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अगर कॉस एक्स है तो एफ ऑफ 3x² कितना हो जाएगा, एक्स की जगह पे मुझे 3x² रखना है, सो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 3x² है ना। तो बस ये वैल्यू यहाँ रख दो, सो कॉस ऑफ 3x²। क्लियर, एफ कंपोजिशन जी क्लियर? यस सर। देखो शरद एक बात बताओ, जितना मैंने बताया ना उतना जरूरत भी नहीं है, वो तो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए उतना बोला। जब आप सवाल करोगे ना तो आपको दिखेगा बहुत आसान है। वो मैंने जो कहा नेसेसरी कंडीशन कहा है ना, किस तरीके से डिफाइन होता है, वो सारे बेसिक है। मैं चाहता था कि वो बेसिक आपके क्लियर हो, इसीलिए मैंने वो सारी चीजें बोल दिया। जब आप सवाल बनाओगे तो आपको उतना कुछ जरूरत नहीं पड़ता है, तो बस आपको बस कंपोजिशन फंक्शन निकालना आना चाहिए। देखो कैसे, एक कंपोजिशन ऑफ एक्स था तो ये आपने निकाल दिया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, उसके बाद क्या किया, स्टेप बाय स्टेप देखो, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की जगह मैंने लिख दिया 3x², फिर एफ ऑफ 3x² कॉस ऑफ 3x², तो ये मेरा निकल के आ गया एफ कंपोजिशन जी कंपोजिशन एक्स। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स कॉस ऑफ 3x²। ठीक है ना, यस सर। ओके, तो अब आप लोग बताओ कि जी कंपोजिशन एफ कैसे आएगा। जी कंपोजिशन एफ, हाँ, राइट हैंड साइड निकालते हैं, देखते क्या आता है। राइट हैंड साइड में क्या है आना चाहिए, हम लोगों को क्या चेक करना पड़ेगा, जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स है ना, ये चेक करना पड़ेगा। तो इसमें क्या आएगा बताओ, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब बताओ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स की जगह क्या रखूं सर, थोड़ा ऊपर लिखिए, यहाँ पे कॉलिंग का ऑप्शन है तो यहाँ से देखने का है। तो आपको याद रखना है कि हमारे एफ ऑफ कंपोजिशन ऑफ एक्स जो आया था वो क्या आया था, वो बताइएगा जरा एक बार, मैं लिख लूँ। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड में cos 3x²। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है, अगर लेफ्ट हैंड साइड कहूँ तो राइट हैंड साइड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है, तो कह रहा हूँ देखिए जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब बताइए जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितना है, तो f(x) की वैल्यू है cos x cos x हां f(x) cos x cos x आ गया ना, साइन हो गया। अब बताइए g ऑफ cos x क्या आएगा। देखिए g ऑफ x क्या है आपके पास dx में है। g ऑफ x कितना है बताइए। बोलिए x इक्वल टू 3x2 गिवन है ना ये। इसमें बोलने में क्या कंफ्यूजन है। f और g आपको गिवन है ना, तो 3x2 है। अब हमने क्या किया, x की जगह पे cos x रख दिया। रख दो cos x x की जगह पे, कौन सी मुश्किल काम हो गया ना, कौन सी आ गया था समझ में। बस cos x रख दो, आसान है ना। आपको a g फंक्शन सब दे के रखेंगे, कोई फंक्शन आपको खुद से नहीं बनाना होगा। सारे फंक्शन किताब में दिया जाएगा, सवाल में आपको दिया जाएगा। आपको बस तरीका आना चाहिए कि किस तरह से कंपोजिशन फंक्शन को डिफाइन करते हैं, और वही तरीका मैं अभी तक समझा रहा था आपको, है ना, कि किस तरह से हम ऑपरेट करते हैं। देखिए g ऑफ cos x कितना हो गया आपके पास, 3 cos x का होल स्क्वायर हो गया, है ना, ये हो गया। और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 3 cos x लिख सकते हो ना। ओके, आप लिख सकते हैं। अब बताओ कि f कंपोजिशन g जो हमारे पास हुआ, क्या वो g कंपोजिशन f का इक्वल हुआ कि नहीं? नहीं हुआ सर। नहीं सर। ना, यहाँ देखो, यहाँ क्या दिख रहा है, 3 cos 3x2 और यहाँ क्या दिख रहा है, 3 cos 2x। क्या दोनों इक्वल है? नहीं सर। हो गया ना, f कंपोजिशन g नॉट इक्वल टू g कंपोजिशन f, दिखा दिया ना हमने। यस सर। अब बताओ लता, अपना माइक बंद कर दो प्लीज। अब मुश्किल है। अरे सर, ये बार-बार मेरे को बंद करने को बोल रहा है। कौन ये? शरद। शरद ऐसे आवाज आ रही है। कोई बात, आवाज आ रही है, कोई बात नहीं, लता बोलने दो उनको। आवाज आ रही है तो मैं क्या करूं सर। शरद मत बोलिए, ऐसे नहीं बोलते आप, मत बोलिए, ठीक है ना। मैं आपसे कह रहा हूं, आप आवाज आ रही है बंद करें, ठीक है। सबकी ड्यूटी है कि जो साउंड हो रहा है ना, ज्यादा साउंड अगर आए तो हम सबकी रिस्पांसिबिलिटी। लिसन टू मी एवरीबॉडी, लिसन टू मी। सी, आप लोग जो है ना सब कहां गए। देखिए ऐसा है, सब लोग अपना अपना म्यूट रखेंगे। जब बोलना होगा, राजप्रताप यू आर अनम्यूट, ओके, यू म्यूट योरसेल्फ फर्स्ट, ओके। जिसको जब बोलना हो, ठीक है, तब अनम्यूट कीजिए और अपनी बात खत्म करके म्यूट करिए। ऐसा कैसे मैं क्लास मैनेज करूं बताइए, हैं भाई। ठीक है, शोर आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन ये चंद्रप्रताप हैज गॉन। चंद्रप्रताप सर, वो अकरम के साथ है। अच्छा, चंद्रप्रताप और अकरम, ओके ओके ओके। अपनी बात खत्म करके म्यूट करेंगे सब लोग, ठीक है। ये देखो, दूसरे को परेशानी नहीं होना चाहिए यहाँ पे। मैं क्लास कैसे मैनेज करूँ आप लोगों की बताइए, ठीक है। ये आपस में ये सब नहीं होगा, ओके। चलिए, चलिए, तो कंपोजिशन अब क्लियर हो रहा है ना धीरे धीरे। बोलिए। हो रहा है सर, हो रहा है। यस सर, हो रहा है। म्यूट करना है इसका तो ये नहीं कि पूरा म्यूट हो जाना है, ठीक है, ऐसा नहीं है। बोलते रहेगा, कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो कंपोजिशन हम लोगों ने पढ़ा। अभी भी थोड़ा बहुत डाउट रहेंगे, ऐसा नहीं है। तो धीरे धीरे जैसे आप सवाल लगाओगे ना, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, दोबारा उसको सोचोगे तो हो जाएगा धीरे धीरे, कोई बुरी बात नहीं है। और मैं खुद ही कह रहा हूँ ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है, इसका मतलब समझिए वाकई कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। ये आपके लिए सबसे कंसेप्चुअल चैप्टर है रिलेशन फंक्शन। इसके बाद जब आप पढ़ोगे डिटर्मिनेंट वगैरह, मैट्रिक्स वगैरह, तो वो बहुत आसान है। उसमें तो बस आपको फॉर्मूला रखना है, कुछ करना नहीं, ठीक है। मैट्रिक्स तो बहुत आसान है, ओके। एग्जांपल नंबर 17 करना है। देखिए जरा एग्जांपल नंबर 17 सब देखिए, तो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, जल्दी जल्दी में देख लीजिए। एग्जांपल नंबर 17, एग्जांपल नंबर 17 जल्दी जल्दी देखिए। लता को कोई कुछ नहीं कहेंगे, ऐसे नहीं बोलना होता है। तब अपने अपने सभी कोशिश करते हैं कि साउंड ना आए किसी के पास से, है ना। तो अपने अपने पढ़िए अच्छे से। एग्जाम्पल नंबर 17 देखिए क्या है। एक फंक्शन f फ्रॉम R, और ये डिफाइन जिस तरह से दिया है ना, इसमें आप अंडरस्टूड हो रहे हो कि नहीं बताओ। ये R में से 7 5 को घटाया गया है, समझ में आ रहा है क्या है वो? यस सर, आ रहा है सर। यस सर, ओमेन में से 7/5 को घटाया गया, और वो इसलिए नहीं लिया है डोमेन में 7/5 को, क्योंकि आपका जो फंक्शन दिया है ना, फंक्शन को गौर करिए, फंक्शन को गौर करिए। हम सारे समझेंगे ना, 3x + 4 डिवाइड बाई क्या है 5x - 7। तो यहाँ से अगर आपने x इक्वल टू कितना रख दिया 7/5 रख दिया तो नीचे 0 हो जाएगा। देखिए नीचे देखिए, अगर x की जगह पे आपने 7/5 रख दिया तो नीचे वैल्यू कितना हो जाएगा वेदिका, जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर शुड बी 0 इफ वी पुट x इज इक्वल टू 7/5। और आप जानते हो कि डिनोमिनेटर पे 0 रखना मतलब हमारे पास कोई वैलिड रीजन नहीं होगा, वो इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा। समथिंग बाय 0 शुड गोज टू इनफाइनाइट, तो हमें फाइनाइट वैल्यू मिलेगी नहीं। इसीलिए क्या किया गया है 7/5 को डोमेन से रिमूव किया गया है, एक्सक्लूड किया गया है, ठीक है ना। वी आर एक्सक्लूडिंग 7/5 फ्रॉम डोमेन सो दैट फंक्शन इज वेल डिफाइंड। इसको कहते हैं वेल डिफाइंड फंक्शन, ठीक है ना। इफ वी वांट टू गेट अ फाइनाइट वैल्यू वी हैव टू रिमूव 7/5 फ्रॉम आवर डोमेन। देयरफॉर वी हैव रिमूव 7/5 फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर। देखो सिमिलरली कोडोमेन से भी हटाया गया 3/5 को, ताकि 0 ना हो जाए। कोडोमेन से 3/5 को हटाने का मतलब क्या है, उसमें भी 3/5 अगर रख दिया तो शायद कुछ 0/0 फॉर्म हो जाएंगे, इसलिए हटाया गया होगा। यस सर, 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो कोई बात नहीं। वो बोलो बोलो बोलो, आवाज नहीं आ रही है सही से, बताइए। तो ये आवाज कट रही है अकराम, टाइप कर दे, मैसेज टाइप कर दे। राजप्रताप सर ये बोलिए बोलिए बोलिए, ठीक है। वो नेटवर्क में प्रॉब्लम होती है ना कभी कभी, बोलिए। किसी की वॉइस क्लियर नहीं है, वॉइस क्या नहीं, नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, नेटवर्क नहीं आ रहे इन लोगों के। अच्छा अकरम, आपका जो प्रॉब्लम हो ना वो मुझे पर्सनली आप मैसेज कर दीजिएगा, कोई बात नहीं, मैं बाद में भी सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। चलिए एग्जांपल नंबर 70 देख लीजिए जल्दी जल्दी। हम क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? यस सर। ओके यस सर, आ रहा है, ठीक है। तो आज कंपोजिशन ही रह जाएंगे, इनवर्स फंक्शन। चलिए इसके बाद एक्सरसाइज कहाँ है, या एक्सरसाइज 1.3। चलिए तो एक्सरसाइज 1.3 में जितने भी आपको कंपोजिशन फंक्शन मिलेंगे, बस कंपोजिशन इनवर्स नहीं, ठीक है, जितने भी कंपोजिशन फंक्शन रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे आप वो सारे करेंगे क्वेश्चन। जी सर, बात समझ में आया? एक्सरसाइज 1.3 में सारे क्वेश्चन वो करना है आपको जो कंपोजिशन का हो, और मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें कंपोजिशन का ही है। इनवर्स मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं, इसलिए इनवर्स छोड़ दीजिएगा, इनवर्स हम अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छा वो आगे ही वेदिका ने पहले ही कर लिया है क्या सर? नहीं सर, ये जैसे प्रूफ वाला है ना, f + g OH। बोलिए सर, कौन सा क्वेश्चन है बोलिए? 1.3 का सेकंड। 1.3 का सेकंड, हाँ। लेट f, g and h be function from R to R so that f + g composition h, f of g and g composition a। ओके, ये आपको क्या करना है? प्रूव करना है बस। क्या प्रूव करिए, देखते f g h फंक्शन दिया हुआ है आपको। प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड दिखाना है बस, राइट हैंड साइड है ना, तो हम बस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, लेफ्ट हैंड साइड ले लो। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है देखो, खुद से ट्राई करो, ये कर लोगे। देखो अब जी इतना मुश्किल नहीं है। कंपोजिशन एच है ना, बताओ किसके ऑपरेट होंगे? जब हम ऑपरेटिंग करेंगे ना लेफ्ट हैंड साइड, तो किसी एलिमेंट के साथ फंक्शन को जब ऑपरेटिंग कराएंगे तो किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेटिंग करना होता है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि f + g कंपोजिशन h ये कहाँ से कहाँ तक होगा, है ना। f + g कंपोजिशन h कहां से कहां तक होगा ये बताओ? सारे रियल नंबर R to R, ठीक है। हम किसी एक एलिमेंट से ऑपरेट कराते हैं ना, एक एलिमेंट से ऑपरेट कराते हैं। अब आपने सीख लिया है कि कंपोजिशन किस तरह से ऑपरेट होता है। बताइए कि जरा a प्लस b ऑपरेटिंग ऑन एच एक्स ना, ठीक है एच एक्स, यस सर ओके। अब देखिए एक चीज मैंने डिफाइन नहीं किया, ये प्लस वाला किस तरह से होता है वो इस तरह से डिफाइन होता है। a प्लस जी अगर हो और फिर वो x के साथ ऑपरेट हो रहा हो तो वो ऑपरेशन इस तरह से होता है f ऑफ x प्लस g ऑफ x। क्लियर? ठीक है, ये तरीका है, ये डिफाइन किया गया, ये वेल डिफाइन है इस तरह से। इसमें ये नहीं कि सर ये कैसे होता है, कहाँ से होता है, किसी चीज का डेफिनेशन है ना। ये डेफिनेशन है सम ऑफ टू फंक्शन डिफाइन लाइक दैट। जब आप दो फंक्शन के सम को डिफाइन करोगे तो इस तरह से डिफाइन होता है, ठीक है। तो अब बताओ उसके इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम लोग यहाँ क्या मिलेगा, गेट हियर दैट f of h x, हाँ ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ऑफ x है ना। अब बताओ ये आप खुद ही जानते हो ये क्या है। हाँ सर f of h कंपोजिशन g, f कंपोजिशन g ऑपरेट ऑन x, h यही तो दिखाना था, हाँ ठीक है प्लस कंपोजिशन h ऑपरेट ऑन x। अब देखो यहाँ से चलो उल्टा, इस फॉर्मूले को उल्टे लाइन से लिख दो बस। हाँ अगर ये दिया हो तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ आराम से, तो मैं वही लिखूंगा f कंपोजिशन h प्लस e कंपोजिशन h एंड सब के बाहर ये सब जो है ऑपरेट हो रहा है किससे, x से, ठीक है क्लियर यस। और ऑल x बिलोंग्स टू R डोमेन के हर एक मेंबर के लिए। जब आपको शो करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा, तो वो हर एक मेंबर के लिए प्रूफ करना है, इसीलिए मैंने जनरली x उठा लिया, कोई एलिमेंट नहीं लिया कि 3, 4 मान लीजिए x, ये हर x के लिए। आप x को कुछ भी ले सकते हो R से, है ना। तो जब आप ये एवरी x के लिए ट्रू है ना, तो आप इसको आसानी से लिख दो f of g कंपोजिशन h इज इक्वल टू f कंपोजिशन h प्लस g कंपोजिशन h। हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया ना। तो ये हमने क्या लिख दिया, यहाँ से हम आसानी से लिख देंगे कि प्रूफ, हमने प्रूफ कर दिया। अब क्लियर वेदिका, ऐसे अगला वाला दिखाना है सेम टू, ठीक है ठीक है। एक और है कि आपने तो ये वाला बोल दिया, प्रोडक्ट वाले में तो आप कंपोजिशन जानते हो, उसमें क्या बोलना, ठीक है। तो यही रखते हैं आज हम यही स्टॉप करते हैं। तो आपको मैंने ये कहा एक्सरसाइज 1.3 में से जितने भी आपको कंपोजिशन की क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको कर लेना है, जितने इनवर्स के क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको छोड़ना है। इनवर्स के क्वेश्चन में अगले दिन कराऊंगा, ठीक है ओके सर ओके। कंपोजिशन सब समझ में आया थोड़ा बहुत, जिनको डाउट हो तो कोई घबराने की बात नहीं है। थोड़ा बहुत किताब को एक आध बार और पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए, जहाँ डाउट हो आप मुझसे पूछिए, ठीक है। हमें हाँ मेन मकसद हम लोग यही है कि हमें सीखना है किसी भी तरह, बस ये डेडिकेशन होना चाहिए। चाहे दोस्तों से हेल्प लेना पड़े, चाहे टीचर से हेल्प लेना पड़े, चाहे खुद से किताब पढ़ना पड़े, हमें सीखना पड़ेगा, ठीक है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही आपको क्या कहूँ, बहुत ही आपका ये है मतलब इंटरेस्टिंग चैप्टर है। रिलेशन फंक्शन जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें बहुत कॉन्सेप्ट है। आप में से किसी ने कहा भी था सर ये चैप्टर बहुत कॉन्सेप्चुअल है, और मैथमेटिक्स जब तक मैंने बोला था सर, हाँ मैथमेटिक्स जब से कॉन्सेप्ट नहीं आता है ना तो इंटरेस्ट नहीं आएंगे। जब आपका कॉन्सेप्चुअल कोई चैप्टर आप कर लोगे ना तो उसमें आपको इंटरेस्ट आ जाने लगेंगे, तो करिए अच्छे से। सर इस चैप्टर में बहुत टफ लग रहा है, लेकिन टफ भी लगता है इसमें सवाल और इजी बात। हाँ तो मैथमेटिक्स में दिमाग तो लगाना पड़ेगा, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ही दिमाग का है। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ो, हिस्ट्री, जियोग्राफी, वो तो आग बंद करके अंधेरे में भी चिल्ला चिल्ला के पढ़ लोगे, है ना, रट लेंगे उन्हें, तो रट लोगे, अंधेरे में भी आप रटते रहोगे। बाबर था ये, अकबर ये, वो हुआ, ये पढ़ते रहेंगे। लेकिन मैथमेटिक्स कैसे पढ़ेंगे बाबू, मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए आपको दिमाग को यूज करना ही पड़ेगा। जब तक आपका थिंकिंग क्लियर नहीं होगा आप एक लाइन नहीं लिख सकते हो। मैथमेटिक्स में पेन लिखने के लिए आपको पूरा थिंकिंग आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि क्या मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है ना। कहीं भी आपने 5 की जगह 4 कर दिया तो आपका सवाल गया काम से। इसलिए पूरी फोकस चाहिए और पूरा तरीके से डेडिकेशन होना चाहिए मैथमेटिक्स सीखने के लिए। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैथमेटिक्स ही है। एक बार आपको इंटरेस्ट आने लगा सर ये चैप्टर तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना। वेदिका को देखो इंटरेस्ट लग रहा है, तो सबको लगना चाहिए। मेरे सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो सबको लग रहा है, सबको लग रहा है इंटरेस्ट। मेरे सारे स्टूडेंट हो और मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे स्टूडेंट अच्छे मार्क्स लाए। इंशाल्लाह मैं कर दूंगा, अंत तक आप सबको मैथमेटिक्स में अच्छा कर दूंगा इंशाल्लाह। बस आप लोग कोऑपरेट करिए मेरे साथ। हाँ बिल्कुल फ्री हूँ मैं बिल्कुल फ्री हूँ और थैंक होकर पढ़ाता हूँ, कोई वो नहीं है। आप लोग मेरे पास छोटे भाई बहन जैसे हो। ठीक है, जितने भी सवाल होंगे, जहाँ के सवाल होंगे, चाहे आपको सब्जेक्ट रिलेटेड हो, बाहर की मैथमेटिक्स हो, आप मेरे पास नंबर, आप लोगों के पास मेरा नंबर हो गया ना, तो आप फ्री होकर मुझसे पूछ सकते हो। कभी भी कोई भी सवाल जो है, अगर आप चाहते हो पर्सनली पूछना है तो पर्सनली पूछ सकते हो, मैथमेटिक्स से रिलेटेड सवाल कुछ भी पूछ सकते हो आप। ठीक है, सर टॉपिक से अनरिलेटेड हो तब भी तो कोई भी सवाल, मतलब कोई भी सवाल पूछ लीजिए, लेकिन मैथ का क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हो, जो आपको जानने का इच्छा हो कि सर मुझे ये वाला जानने का इच्छा हो, ठीक है ना। बस इंटरेस्ट दिखाइए, मैं भी इंटरेस्ट दिखाऊंगा। कोऑपरेट करिए मेरे साथ, ठीक है, और इंशाल्लाह बहुत कुछ सीख जाएंगे हम लोग टाइम टाइम। ठीक, यही पे एंड करते हैं। ठीक है, कहेंगे थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ठीक है भाई, अपना बैग भी देते रहा कीजिए मुझे, मेरा नंबर है। यस सर, यस सर, फीडबैक दिया कीजिए। चलिए ठीक है, एंड करें इसको। यस ओके सर, थैंक यू।